हैलो एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है आई वर्षा वेलकम यू ऑर इन माई क्लास एट एस एस सी ट्यूब चैनल कैसे हो आप लोग कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए बच्चे की मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियरली पहुंच पा रही है और जो स्क्रीन पर है क्या वो आप लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है एक बार मुझे क्लियर कीजिए हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग प्रिया तुषार बबलू कमल राज यशवंत अभिषेक डेनियल वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन जो भी यहाँ प्रेजेंट है एक बार मुझे क्लियर करके आप लोग ये बताइए कि मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियरली पहुंच पा रही है की हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग अमन कुमार वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है? मैं आज मिनट लेट अभिषेक, ठीक है? अभी थोड़ा-थोड़ा, हाँ, शुरू किया था हम लोगों ने एज अ मैराथन बट वो आप लोगों का उस वक्त रह गया था तो आज हम उसको फिनिश करेंगे कोशिश ये रहेगी कि पूरा आप लोग का ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम मानव कंकाल तंत्र आज की तारीख में ही फिनिश हो जाए हाँ वॉइस क्लियर है स्पीक आउट वेरी गुड मॉर्निंग अमन ए के वेरी गुड मॉर्निंग अमन स्टेन ठीक है जितने भी यहाँ पर अमन मौजूद है सबको गुड मॉर्निंग ठीक है अमन शांति को बनाए रखेंगे ठीक है अच्छे से पूरा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम करेंगे हाँ साउंड में कोई इशू है क्या एक बार आप लोग मुझे बताइए कुछ साउंड में इश्यू आ रहा है हमारी तर, मेरे एंड से इज एवरीथिंग ओके ऑन योर पार्ट हाँ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू चलेगी पर इतना भी लंबी नहीं नॉर्मल जो आपकी रेगुलर क्लासेस okay ना आप लोगों को कहीं पर कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है क्योंकि सिस्टम ऐसा टॉपिक है पिछली बार जब हम इसको शुरू करने लगे थे लास्ट में इतना इशू इस टॉपिक ने क्रिएट किया था बफरिंग इशू साउंड इशू तो आई डोंट वॉन्ट की ऐसा कोई इशू आए तो अच्छे से प्यार से प्रथम इज वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बबलू नीरज जो भी नए बच्चे कनेक्टेड हैं सबको गुड मॉर्निंग सबको प्यार भरी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग आप लोग सभी बढ़िया हैं वैक्सीन लगवा चुके हो ठीक है अच्छे से चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में सब कुछ हाँ साउंड में इको आ रहा है ओके एक बार मुझे बताइए साउंड में इको कैसे आ रहा है मैं तो इतना सुरीली तरीके से बोल रही हूं ठीक है वॉइस इज क्लियर ओके राधे राधे ठाकुर सिंह तोमर देखिए बच्चे हमको ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का बेसिक हम लोग कर चुके हैं क्यों जरूरत क्यों पड़ी रही आपको स्केलेटन की मानव कंकाल तंत्र आखिर जरूरत क्या थी बच्चे देखो जो आपके अंदरूनी अंग है इंटरनल ऑर्गन्स है उनको एक तो प्रोटेक्शन देने का ठीक है उनको एक तो प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं ऊपर से जो आपका बाहरी ढांचा है अगर ये नहीं होगा तो आप मूवमेंट कैसे कर पाओगे लाइक दैट स्केलेटन आप लोग मूवमेंट कैसे कर पाँगे? ओगे ठीक है मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो आपके लोकोमोशंस में भी दिक्कत आएगी मतलब गति और गमन दोनों चीजों में दिक्कत आएगी तो इन सब को रेगुलेटेड करने के लिए आपको जरूरत पड़ी स्केलेटन सिस्टम की तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर जितने भी आपके जोड़ हैं आपके जॉइंट्स हैं पाइवोटल जॉइंट्स हैं आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है आपके जो गर्डल ज्वाइंट्स हैं सभी जॉइंट्स के बारे में ठीक है ग्लाइडिंग ज्वाइंट सॉरी गर्डल्स तो अभी आगे हम लोग करने वाले हैं सब लोगों सबके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे ठीक है हाँ क्लास कहाँ मिस्ड हुई है क्लास अभी शुरू हुई है ठीक है क्लास अभी शुरू हुई है हाँ अच्छा डबल डोज लगवा ले अजीत प्रताप सिंह डबल डोज क्यों लगवाए हो ठीक है एक ही डोज से काम चल जाता हाँ ठीक है एक ही डोज रखो अभी सेकंड डोज है वो डबल डोज में उसको थोड़ा ना काउंट करें कमल किशोर मैं एकदम बढ़िया हूँ आज ठीक है आप आप लोगों को मेरी वॉइस में भी पता लग रहा होगा जय माता दी ठीक है जय माता दी नीरज कुमार आप लोग को मेरी वॉइस से भी पता लग रहा होगा कि अब मैं ओके हूँ ठीक है तीन दिन का असर था वैक्सीन का नाउ एवरीथिंग इज ओके ऑन माई पार्ट ठीक है अब मैं आप लोग के सामने बिल्कुल समक्ष साक्षात खड़ी हूं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को कराने के लिए

ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त रहते मिलेगा मैंने आप लोग के लिए कुछ और भी प्लान किया है डिफरेंट कुछ और भी आप लोग के लिए प्लान किया है तो जल्दी ही आप लोग के लिए वो भी आने वाला तो धमाके के लिए तैयार रहिएगा ठीक है कल मैंने आप लोग के लिए जो मेरा वर्षा मैम ऑफिशियल करके जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है वहां पर आप लोग के लिए एक चीज डाली थी कि अगर जो आपका टेस्ट योर साइंस का सेशन होता है आप लोग मुझे बताएंगे कि अब आप कौन सा एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहते हैं है है ठीक डोज लगेगी चौरासी दिनों के बाद ठीक है कैलकुलेट कर लो चौरासी बबलू भगवत मेरा नाम ले ले लीजिए लिया भैया आपका नाम सतीश वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जल्दी से क्लास को एक बार आप शेयर कर दो ठीक है शेयर कर दो और जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं करा है वो क्लास को एक बार लाइक कर दो ठीक है हाँ जय माता दी जो बोल रहे लेट्स रोक क्लास को लाइक करो और शेयर करो ओके इधर देखिए आप लोग ये हमारे अदर अदर कनेक्शन नोट्स के लिए आपको एस ट्यूब नोट्स के लिए आपको एसोसिए ऑफिशियल ज्वाइन करने का और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है साइंस बाय वर्षा मैम उसको भी ज्वाइन करने का एंड जो मेरी प्ले है जहां पर आपके सभी क्लासेस को एक सिक्वेंस में लगाया गया है वो है आपका साइंस बाय वर्षा मैम आप लोग के लिए याद करना आसान हो जाए क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा भुलक्कड़ मुझे लगने लगे हो दिन पर दिन क्लास लेना भी भूल जाते हो तो साइंस बाय वर्षा मैम ही मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चे साइंस बाय वर्षा मैम एंड साइंस बाय वर्षा मैम ही मेरी प्लेलिस्ट है Okay. तो आप इसको कनेक्ट करो चेक करते रहो जितनी भी क्लासेस आप लोग की होगी अपने सभी डाउट्स को ना क्लियर कर लो एग्जाम अब ऐसे आएंगे ना आपको पता भी नहीं लगेगा ठीक है एक ही सीक्वेंस में धमाकेदार धमाकेदार आपके एग्जाम होते रहेंगे तो ये जो मेरी टेगलाइन जो आप लोग के लिए मैंने रखी है कि जिद है तो जॉब है तो जिद में साइंस को बिल्कुल अपना टॉप क्लास कर दो तो साइंस से आधा नंबर भी नहीं गवाना है क्योंकि साइंस इज लाइक अ गेम चेंजर सब्जेक्ट ये आपका एग्जाम में मार्क्स लेकर आता है सात या आठ ठीक है सात ही आठ क्वेश्चन है मार्क्स हैं और वही आपका पूरा का पूरा पैटर्न आपका सिलेक्शन भी मिस कर सकता है तो आप लोगों को इस तरीके से अच्छे से आपको एग्जाम को कंटिन्यू रखने का अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने का है और जितना उसके शिद्दत से तैयारी करो मन लगाकर तैयारी करो ठीक है और मॉर्निंग में आप लोग की करंट अफेयर की क्लास होती है जो कि पिन के मैम लेते हैं करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की क्लास सुबह नौ बजे आपके फिक्स ये क्लास है ठीक है करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोग देखते भी करंट से कितने क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके की जो बेहतरीन सीरीज है साथ में मिसलेनियस आपके क्वेश्चंस होते हैं वीकली सेशन मैम कराती है करंट अफेयर्स के मंथली सेशन आप लोग के लिए कराती है तो हर किसी को हर चैनल कौन बोल रहा है डाउनलोड करने के लिए चैनल बोल रहा है सब्सक्राइब करने के लिए न लाइक like हो सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलती हूँ डाउनलोड डाउनलोड कहाँ से आप लोग अलग ही अलग ही लगाए रहते हो ना अपने आप ही ठीक है उठ जाया करो टाइम से टाइम से सो जाया करो रात को इधर देखो तो नौ बजे आपकी करंट अफेयर प्लस की क्लास होती है हर एग्जाम के लिए जो जरूरी है आपको जरूर से जरूर यह क्लास अटेंड करनी है ठीक है एनडीए का एग्जाम कब है एनडीए का एग्जाम कभी अभी शेड्यूल देखो यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ना उसमें जैसे वो आपको शेड्यूल डेट प्रोवाइड कर देंगे वो उस शेड्यूल डेट पे एग्जाम होगा ही होगा तो उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होते हैं तो आप लोग अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो एकदम से आपको झटका मिलेगा कि इस दिन आपका एग्जाम है और आपको संभलने का भी वक्त नहीं मिलेगा तो संभले रहो पहले से ठीक है रूटीन के हिसाब से आज ट्यूसडे है और आज मैंने फिजिक्स का टॉपिक कराना था फिजिक्स का प्रिपेयर जो टॉपिक आज के लिए था वो ये था कि मुझे आज आप लोग को ऑम्सलो कराना था मैं कर देती हूँ स्लो एंड रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक मुझे आपको कराना था लेकिन कुछ डिमांड्स थी को फिनिश करके साइड थे थे। देन आपका जो टॉपिक बा बाकी है जो सिक्वेंशियल टॉपिक्स है उनको कंटिन्यू करेंगे जो बीच में तीन दिन का गैप हुआ उसके थोड़ा सा शेड्यूल में वेरिएशन गए बट आगे ऐसा नहीं होगा ठीक है आगे ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी सब कुछ बिल्कुल ओके रहेगा हम लोग हा टाइम

की वजह से आप मूवमेंट्स को कर पा रहे हो ये आपका सैडल मूवमेंट है ये आपका ग्लाइडिंग मूवमेंट है ये आपका बॉल एंड सॉकेट तो ये अलग अलग मूवमेंट्स कैसे पॉसिबल हो पा रहे हैं दिस आर बिकॉज ऑफ द ज्वाइंट्स तो ज्वाइंट्स हाँ ये फिजिक्स कराऊंगी अभी फिजिक्स नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी ठीक है फिजिक्स भी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में फिक्र मत करो ये टॉपिक कराना भी ज्यादा जरूरी था चांदनी हेलो हाय हाँ जी मैं एकदम बढ़िया हूं आप लोग कैसे फिजिक्स नेक्स्ट क्लास में होगी ठीक है आज आपको मैं ये फिनिश करा देती हूँ मेरे, मेरे गले में भी ये हड्डी अटकी हुई है ये टॉपिक अभी तक भी फिनिश नहीं हुआ अब आप मुझे एक बताइए क्वेश्चन कि आपके गले के अंदर वो कौन सी हड्डी है जो सिंगल बोन के रूप में प्रेजेंट है वो किसी दूसरे भी हड्डी के साथ जुड़ी हुई नहीं है ठीक है वो हड्डी तो सबके गले में एक अटकी हुई है ये ह्यूमन स्टर सिस्टम बचा हुआ था तो मेरे गले में ये हड्डी भी अटकी हुई थी कि मुझे इसको फिनिश कराने का है हम्म हाँ मैं एकदम बढ़िया हूँ ठीक है मजामा छो हां मजामा छू जो भी बोलते हैं अर्जुन वेरी जय श्री कृष्णा हाँ ठीक है चलिए अच्छी बात है अब आप ठीक है अब आप मुझे बताओ कि आपके गले में वो कौन सी हड्डी होती है कन्हैया लाल बबलू चांदी कमल किशोर अजीत मुझे कह कह, कह के चिंटू कुमार क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे फटाफट से आपके गले में वो एक हड्डी होती है जो सिर्फ अकेली है हाईोइड बॉन बोलते हैं उसको यू शेप्ड जो बॉर्न होती है आपके गले के अंदर वो सिंगल बॉर्न है वो किसी दूसरी हड्डी के साथ अटैच नहीं होती है ठीक है वो अटैच नहीं होती किसी भी दूसरी हड्डी के साथ टोटल आपके सतीश मौर्या वन फिफ्टी

जो इन जोड़ों के जहां से शुरुआत होती है हड्डियों की वहां से कैरी किए हुए तो इन सब के बारे में पूरा डिस्कशन होगा खुल के जितना एग्जाम में आता है फिर आपको क्लियर भी हो जाएगा एग्जाम में आपका क्या क्या आता है ओके okay, अब आप देखेगा फ्रेमवर्क पूरा ढांचा है हड्डियों का और कुछ इसके अंदर नरम हड्डियां हैं यही अगर हड्डियां हैं और ये जो नरम हड्डियां हैं इन्हीं के मिलके ही आपके जो मूवमेंट है गति आप कर पा रहे मेरे हो है, मेरे हैंड्स की मूवमेंट और मेरी गर्दन आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव कर पा रही है जो लिमिटेड मूवमेंट पाइवोटल की वजह से और एक्सेस के बीच में ये मैं आपको बता चुकी थी यहाँ पर जो मूवमेंट हो पा रहा है एल्बो जॉइंट में जो आपके रेडियस रेडियस एंड ह्यूमरस के साथ जुड़ा हुआ आपके नी के अंदर भी मूवमेंट हो पा रहा है तो ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स

ओके okay, तो ये सभी हाँ ये कंकाल क्या करे ये कंकाल आइसक्रीम खा रहा है चांदनी देखो ये आइसक्रीम कैसे खा पा रहे हैं अगर ये जो बोन्स हैं इनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी लचीलेपन के लिए जॉइंट्स नहीं होते जोड़ नहीं होते तो हाउ इट विट बी पॉसिबल फॉर हिम टू ईट आइसक्रीम ये ऐसे मूवमेंट कैसे कर पाता लेकिन आप ये चीज भी देखो कि आप जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं वो प्रिया सिंह वो आइसक्रीम खा रहा है लुक एट हिम यार वो आइसक्रीम खा रहा है उसपे लिखा भी हुआ है ठीक तो है तो बॉन्स एंड कार्टिलेजेस ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण संयोजक की उत्तक हैं, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से आपके सर से लेकर आपके पैर तक आपके अंगूठे तक हड्डियां हैं और हड्डियों के बीच में जोड़ है और नरम हड्डियां जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है ओके ये चीज आप लोग यहाँ से देखिएगा ठीक है ये चीज आप लोग यहाँ पर देखिएगा जो ऑफ फूड ठीक है खाना चबाना विदाउट अगर ये जॉब आपके जबड़े की हड्डी नहीं होगी और यहां से वहां मूव करना अगर आपके लिम्स में हड्डियां नहीं होंगी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा तो हर महत्वपूर्ण काम को करने के लिए हड्डियां जरूरी है ठीक है हड्डियों के बीच में जोड़ जरूरी है ठीक है कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा वो अपने घुटनों को बैंड नहीं कर पाते हैं जिनको, जिनको अर्थराइटिस हो जाते हैं गठिया भाव हो जाते हैं वो अपने घुटनों को बैंड नहीं कर पाते हैं ठीक है आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा जब मेरे को भी एक बार पैर में फ्रैक्चर हो गया था अब आप लोग बोलने वाले की मैम आपको कौन सी दिक्कत नहीं हुई आप ये बता दो जब मेरे को एक बार पैर में मेरे दोनों नीस जो होते हैं ना पेटीला नी कैप जो बोलते हैं एक बार एक इवेंट में एक आपका स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान मेरे दोनों नीज में स्वेलिंग हो गई थी एंड इट वाज वेरी पेनफुल आप अपने नीज को भी बैंड नहीं कर पा रहे हो ठीक है आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट चलना है ठीक है नीज को बैंड ही नहीं होते थे बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना है लीन कर जाना है तो ऐसे सिचुएशन पॉसिबल हाँ ऐसे सिचुएशंस जो है वो आप लोग के लिए काफी डेंजरस हो जाती है है ना हाँ आइसक्रीम कैसे होगा एलिमेंट्री के तो है ही नहीं ओ माई गॉड ठीक है अभी सिर्फ मूवमेंट समझो ठीक है इसकी भावनाओं को समझो ये सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा है कि आइसक्रीम खाने के लिए जो हाथों की मूवमेंट हो पा रही है वो आपके कंकाल तंत्र से हो पा रही है मैं आप लोग को एक चीज हाँ ठीक है मनीष पांडे हो गया फ्रैक्चर तो हो गया आप तो बिल्कुल ओके हैं ठीक है ठीके? नहीं एक्यूमुलेशन है यूरिक एसिड एक अक्यूमुलेशन हो जाता है हाँ, पेटेल, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ बताई थी बच्चे कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम एंड अंतराही प्रणाली है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है आपका स्केलेटल सिस्टम तो कौन सा हॉर्मोन है जो आपके बोन्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है जो कि आपका इस चीज में आपके एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है इस सवाल का जवाब बताओ तुरंत से हाँ इस सवाल का जवाब बताओ तुरंत से कि कैसे आपका स्केलेटल सिस्टम सिस्टम कंकाल तंत्र आपके एंडोक्राइन को रेगुलेट करता है ओके okay, हाँ। इस सवाल का आंसर दीजिए मुझे ब्यूटी बोन ये है आपकी कॉलर बोन्स यहाँ पर इनको ब्यूटी बोन्स कहा जाता है इसके बारे में भी डिस्कशन होगा ये होती है आपकी ब्यूटी बोन्स ठीक है ये कॉलर बोन्स जिनको हम बोलते हैं हाँ। उस हार्मोन का नाम बताओ पिछली क्लास में मैं आपको बता चुकी थी नहीं बताया तो आप लोग सच में पिटाई खाओगे ऑनेस्टली दिन प्रतिदिन आप लोग क्या होते जा रहे हो पीछा पीछे वाला भूलते जाओ आगे वाला रिटेन करो पीछे वाला गोल कर दो ऐसे वाला आप लोग के हाथ हाल हो जा रखे हाँ जी हम्म हाँ. कर, आप लोगों के लिए अमन चांदनी आप लोगों के लिए वो पंद्रह मिनट में पंद्रह एमसीक्यू वाला सेशन एक दूसरे का हाल चाल पूछने का है ठीक है हाँ कौन सा हार्मोन सीकृत करता है अमन उसका नाम बताओ हार्मोन का मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था उस हार्मोन का नाम बताइए जो आपके एंड्रोक्राइन सिस्टम के द्वारा सिक्रियत किया जाता है नाम बताओ हार्मोन का कैल्शियम हार्मोन ऐसे तुक्के मत लगाओ उस हार्मोन का नाम बताओ जो आपके बोन सेल्स रिलीज करते हैं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है साथ में फैट डिपोजिशन साथ में सिनर्जेटिक मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है देखते हैं कितना आप लोग को याद रखता है बिल्कुल गलत जब आप मुझे ये बता दोगे उस हॉर्मोन का नाम तभी मैं आगे मूव करूंगी हम आगे चलेंगे ही नहीं हाँ जी अगर हमारे, अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होंगी ठीक है अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होंगी तो आप खाना नहीं चबा पाओगे तब आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे हड्डियों का ढांचा है वही तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है तो इंटरनल ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन नहीं होगा वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा सनसेट में क्या नहीं मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था देखो मैं वेट कर रही हूं दो सेकंड का एडीएच नहीं है शीतल कुमारी एडीएच नहीं है इंसुलिन नहीं है तुक्के तुक्के मारो मारो अच्छे से मारो, ADS, बच्चे एंटी हार्मोन आपका माना मैंने बोला ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है ठीक है माना लेकिन मैंने आपसे आपके ऑस्मोटिक बैलेंस रेगुलेट करता है इंसुलिन आपका ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करता है लेकिन मैंने आपसे ये पूछा आपके जो बोन सेल्स हैं हड्डियों की जो कोशिकाएं हैं वो कौन से आपके हॉर्मोन का प्रोडक्शन करते हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है साथ में फैट फैट डिपोजिशन में मदद करता है ऑस्टियोब्लास्ट नहीं है वो Osteoblast, कमल किशोर हड्डियों के कैंसर को बोला जाता है उसका नाम है ओस्टियो ठीक है उसका नाम है ओस्टियो ये आपकी हड्डियों से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है कली में कली नहीं जब आखिरी बार क्लास हुई थी तब मैंने इसके बारे में बताया था ओस्टियो तो मैंने आपसे बोला था कि छह फंक्शंस होते हैं ना मेन छ फंक्शन से करता है लोकोमोशन में हेल्प करता है प्रोटेक्शन में हेल्प करता है स्ट्रेंथ देता है एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है मूवमेंट करा रहा होता है तो आप लोग भूल गए ना वो ऑस्ट्रोकैल्स है ऑस्ट्रोकैल उस हॉर्मोन का नाम है जो आपके बोन सेल्स के द्वारा हड्डियों की कोशिकाओं के द्वारा सिक्रिएट किया जाता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है साथ में फैट डिपोजिशन को रेगुलेट करता है साथ में आपके अलग अलग मूवमेंट्स को प्रॉपरली करता है मैं बता चुकी हूँ उसका नाम ओस्टियो आप लोग लिखेगा भूला मत करो ठीक है एग्जाम में भी भूल जाना ऑस्टियोब्लास्ट होगा ऑस्टियोक्लास्ट होगा ऑस्टियोकैल्सिन होगा और ऑल ऑफ अबव होगा और आप लोग लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव ठीक है हाँ तो नहीं लाल सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपके हाथ हैं ठीक है अब याद रहेगा दैट्स गुड टू नो ठीक है चलिए यहां तक आपका ओवर हो चुका था बोन्स जो होती है आपकी हड्डियां होती है वो ज्यादा बोन्स और आपके कार्टिलेजिस में ठीक है नरम हड्डियों में और मजबूत हड्डियों में हार्ड हड्डियों में क्या फर्क है किस किस से बनी है जो आपकी हड्डियां होती हैं उनके अंदर कैल्शियम सोल्स का डिपोजिशन होता है कलर चेंज करने दो तो मुझे कैल्शियम सोल्स का डिपोजिशन होता है वहीं पर जो आपकी कार्टिलेजेस होती है नरम हड्डियां होती है उनके अंदर कॉन्ड्रियोटिन सोल्स का डिपोजिशन होता है और स्लाइटली प्लाइबल मैट्रिक्स होते हैं मतलब की लचीली मैट्रिक्स होती है से आपके जो कार्टिलेजिस जो आपके ये आपका पिन्ना है ईयर पिन्ना है ये बाहर इसके बाद जो अंदर वाला आपके ईयर ड्रम तक है टिफेना मेम्ब्रेन तक ये जो पूरा अंदर वाला रीजन जा रहा होता है यहाँ पर आपके कार्टिलेजिस हैं नरम हड्डियां हैं और उसके अंदर आपका क्या है बच्चे उसके अंदर आपकी तीन ईयर ऑसिकल्स हैं ठीक है ईयर ऑसिकल्स के बारे में अभी बात करेंगे तो ईयर ऑसिकल्स कान की हड्डियां अलग हैं और कान के अंदर ये जो कार्टिलेज है वो चीज अलग है ओके ये दोनों चीजें आप लोग को डिफ्रेंशिएट करके याद रखने की है हाँ कैल्शियन इसको याद रखो बिल्कुल कंटेस्ट कर लो हाँ सोल्ट की वजह से कैल्शियम सोल्ट की वजह से आपकी हड्डियां हार्ड मजबूत होती है और स्ट्रोंग होती है कैसे मिलता है आपको कैल्शियम अब आप मैंने आपसे एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में पूछा था हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मैटल कौन सा है बताइए इस सवाल का जवाब सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है मोस्ट अबंडेंट मेटल इस सवाल का जवाब दो मुझे तुरंत तुरंत बताओ इस सवाल का जवाब फटाफट से कि मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है मानव शरीर के अंदर हाँ जी हाँ अमन कुमार ओके ठीक है अभी उनके बारे में भी बात करूंगी हाँ हम्म सबकी फर्स्ट क्लास है मेरे को पता लग रहा है सबके सब, सब एक ही बारी में लिखने में लग जाते हैं कि मैम फर्स्ट क्लास है फर्स्ट क्लास है कितना फर्स्ट क्लास करोगे भाई हाँ हाँ नोज में भी आपकी हड्डी होती है ये जो आपकी यहां पर जो आपकी वॉर्मर बोन होती है दो जो आपके नेजल चैंबर्स को कनेक्ट करते हैं सिंगल बोन इधर पे होती है ठीक है एग्जैक्टली ठीक है आयरन नहीं निर्मला वो आपका कैल्शियम है मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला सतीश आयरन मैंने आप लोग को यहां पर पूछा मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु है वो कैल्शियम है आपके शरीर के अंदर दो हड्डियां हैं उन हड्डियों को बना रहा है कैल्शियम सॉल ठीक है कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है लोहा भी है लेकिन कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में यहां पर आप लोग डाउट खाते हो दोनों ऑप्शन में दिए होंगे लेकिन आप इसको आंसर लगाएंगे ओके समझ आ रही है ये बात आपको 206 हड्डियां हैं और आपके कुछ कार्टिलेजेस मौजूद हैं और नियर अबाउट 600 से ज्यादा मोर देन 600 मांसपेशियां हैं हम बात कर रहे हैं हड्डियों के बारे में मांसपेशियो तंत्र के बारे में आपको पहले करा चुकी हूँ ठीक है हाँ जी ठीक है हाँ इनफैक्ट ओके ठीक है चलो आप लोगों ने मुझे पहली बार देखा हाँ अनपेयर्ड बोन है इकलौती हड्डी है जो आपके नेजल पैसेज को सेपरेट करती है उस हड्डी का नाम है वॉर्मर बोन जो यहाँ पर मौजूद होती है तो ये जो, जो भी आपका पूरा कंकाल तंत्र है उसको दो भागों में विभाजित किया गया कौन से वो दो भाग है? एक तो आपका एक्सियल स्केलेटन माने की अक्षीय जो आपका कंकाल है जो सेंटर आपका कंकाल है उसको एक्सल स्केलेटन कहेंगे और ये जो आपके हाथ है और ये जो आपके लेग्स हैं इनसे मिलकर बनता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन and तो आपका पूरा का पूरा मानव कंकाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ठीक है आप लोग याद रखिएगा अक्षीय कंकाल और उपांग कंकाल जिसके अंदर आपके हैंड्स एंड लेग्स आते हैं ठीक है अब इसके अंदर आपके टोटल ठीक है ये जो मास पेशियां हैं सिक्स हंड्रेड अब, अब, अब आप इसको लिखिएगा क्योंकि सिक्स हंड्रेड थर्टी नाइन एक्जैक्ट फिगर में कभी कभी लगभग भी लिख कर लिखा होता है कहीं कहीं पर ठीक है तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा हाँ, हाँ बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है कैल्शियम आपको अब ये कैल्शियम का काम एक और काम में होता है ठीक है कैल्शियम का काम आपका ब्लड ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को रेगुलेट करने में भी होता है ठीक है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को रेगुलेट करने में ताकि रक्त का थक्का जम सके वहां पर भी इसकी जरूरत है और आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए भी जरूरत है किसकी जरूरत है कौन सा वो कैल्शियम शोल्ड है आप लोग को मैं दो ऑप्शन दे रही हूं बच्चे इन दोनों ऑप्शन का आप लोग मुझे आंसर बताइए आपके जो हड्डियों को बना रहा है उस कैल्शियम शोल्ड का नमक का नाम क्या लवण का नाम क्या कै, कैल्शियम फोस्फेट है या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट है ये मैं आपको बता दे दोनों के दोनों आपके शरीर के अंदर मौजूद होते हैं तो आपकी हड्डियों को बनाने के लिए सब इनमें से किसकी जरूरत होती है इस सवाल का जवाब दो मुझे कैल्शियम ऑक्सीट की या फिर कैल्शियम फोस्फेट की हाँ जी हम्म हाँ कितना परसेंटेज होती है बताइए जो आपकी अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं वो आपके टोटल आप, आपके टोटल बॉन्स का कितना परसेंटेज होते हैं बताइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर 80 तो आपकी एक्सियल बोन्स होती है टोटल आपकी 206 हड्डियां होती हैं माइनस करो बताओ मुझे अभी देखो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यूजुअल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको मैंने जो ये क्वेश्चन पूछे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से कैल्शियम फोस्फेट आरपीएम पढ़ लीजिए अभी ठीक है हाँ मेरा हेयर स्टाइल थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट बट अभी आप लोग को मैं भी कॉम्प्लीमेंट दे सकूँ इसके लिए आप ध्यान से मन लगाकर पढ़ो भाई ठीक है हाँ, इस चीज को आप लोग लिखिए कैल्शियम फोस्फेट आपके जो हड्डियां हैं उनके अंदर जो लवण है सोल्ट है वो कैल्शियम फोस्फेट है और कैल्शियम ऑक्सलेट तो आप लोग के लिए अच्छा नहीं है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से क्या होता है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से आपके किडनी में आपके गुर्दों में इसके डिपोजिशन होने की वजह से थरी हो जाती है स्टोन की दिक्कत के लिए कैल्शियम ऑक्सीड जिम्मेदार है ठीक है और ये आपके हड्डियों की मजबूती के लिए जिम्मेदार है ठीक है ये आपको याद रखने का ये वाला अच्छा नहीं है ये वाला अच्छा है जो जरूरी है ओके इज ए थिंग इज क्लियर टू यू हाँ अभी आपकी सबसे बड़ी हड्डी वो अपेंडिकुलर की बात करते हो तब मैं बताऊंगी अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन के बारे में देखो ये जो हिस्सा है यहाँ सेंटर से शुरू हो रहा है आपका यहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी तक जा रहा है

टिबल कॉलम है ठीक है हाँ सबसे अस ये जो है ठीक है ये जो है आपकी सारी हड्डियां आप लोग इस हिसाब से याद रखेंगे सबसे पहले आपके एक्स कैरेटन के अंदर अस्सी हड्डियां हैं जो कहां पे आपके खोपड़े के अंदर आपके वर्टिबल कोलम आपके रीढ़ के अंदर आपके स्टनम उराथी के अंदर कहां पर प्रेजेंट होता है उराथी यहां पर प्रेजेंट होता है और आपके रिब्स के अंदर जो आपकी पसलियां होते हैं ये सभी मिलकर आपके अस्सी हड्डियां बनाते हैं अब आप लोग मुझे बताइए हाँ ठीक है फ्यूज होके अः अडल्ट के अंदर वो तभी तो बच्चों के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उनके पास तीन सौ छह हड्डियां होती हैं

दीजिए हाँ, जो कंकाल है शक्तिमान बन गया है हाँ, इसलिए है ताकि मैं आपको यहाँ से लेकर आपके की तक, आपके की के स्कल से, तक सारी पता से मैंने यहाँ पर इसको के हाँ, अंदर छह होती है शाबाश इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथ में जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं करा है बच्चे लाइक कर दो और शेयर करो मैक्सिमम टू मैक्सिम थाइमस ग्लैंड वेरी गुड सुशील वेरी गुड अमन था ग्रंथ मौजूद होती है वो आपके स्टर्नम के पास जो कि आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं वहां से जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसका नाम थाइमोसिन है ये आपकी सिंगल हड्डी है ठीक है वहीं पर आपके स्कल की बात करें आप स्कल बोन के अंदर टोटल आपकी कितनी हड्डियां होती है टोटल आपकी 22 हड्डियां होती है किस किस में डिवीजन होता है आपके क्रेनियल बोन्स के अंदर और आपके फेशियल बोन्स के अंदर ठीक है टोटल जो आपके स्कल के अंदर खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां होती है बाईस हड्डियां उनका डिवीजन होता है आपके क्रेनियल के अंदर और आपके फेशियल के अंदर अब क्रेनियल के अंदर टोटल आपकी एट बोन्स होती है क्रेनियल के अंदर आपकी आठ हड्डियां होती है और फेशियल के अंदर आपकी फोर्टीन बोन्स होती है अब ये क्रेनियल के अंदर एट जो बोन्स होती है यहां पर मैंने आपको एक फिक्स ज्वाइंट के बारे में में भी बताया था ठीक है जो ये आपका यहां पर जो joints present है है ठीक यहां पर जो आप का है है ये fixed joint है. इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो होता है और इसी प्रकार का जॉइंट आपका यहाँ पर मैसेज चेयर में भी प्रेजेंट होता है नीचे वाला जबड़ा हिलता है तभी आप बोल पाते हो ऊपर वाले जबड़े के अंदर मूवमेंट नहीं होती तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा हाँ जी हम्म ठीक है नहीं मैंने 29 नाइन बॉन्स इन फेस कब काउंट किया था मैंने 29 नाइन कभी नहीं बोला फेस में ठीक है आप लोग ऐसे ऐसे कैसे बोल सकते हो आप लोग फेस के अंदर 14 मैंने काउंट करके उस दिन बताया था आपको और आपके स्कल के अंदर 8 बोन्स मैंने आप लोग को बताया था हाँ सूचर ज्वाइंट आपका कहाँ पर सॉरी सूचर ज्वाइंट आपका यहाँ पर प्रेजेंट था ना आपके जो ये है ये फिक्स ज्वाइंट है बिल्कुल फिक्सड ज्वाइंट है इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही यहाँ पर आपके सूचर एंड कम्बोसिस जो आपके मस्कुलर uh, जो आपके आपके जबड़े के अंदर था वो आपका वहां पर आपके गोसिस थे और प्यूबिक सिम्बोसिस प्रेजेंट होता है पैल्विक गर्डल के अंदर श्रोणी जो करधनी है उसके बीच में आपका प्यूबिक प्रेजेंट जो जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है इनके अंदर मोमेंट नहीं होता ये आप लोग को याद रखने का है ठीक है ये आप लोगों को याद रखने का है अभी आप देखिएगा 22 हड्डियों का डिवीजन किस प्रकार से हो रखा है आपके क्रेनियल के अंदर आपके कपाल के अंदर और आपके चेहरे के अंदर देखो ये जो आपके कपाल के अंदर जो ये आपके क्रेनियल बॉन्स फॉर्म कर रहे हैं घड़ी आप पढ़ लीजिए बच्चे अभी उसके बारे में बात कर लीजिएगा हितेश यादव डेली का टाइम टेबल क्लास का बिल्कुल फिक्स है सवा ग्यारह बजे डेली की आपकी क्लास होती है ठीक है दीपक एक बार लिख दो हाँ ठीक है कॉम्प्लीमेंट थैंक यू सो मच अभी आप क्लास को शेयर कर दो ठीक है हाँ हाँ ठीक है ये जो है आपका इधर देखिए अब बात करते हैं आपके स्कल के अंदर कौन कौन सी हड्डियां मौजूद होती है देखो आपके स्कल के अंदर फोर फोर ब्रेन के अंदर आपके चार लोब्स प्रेजेंट हैं उन लोब्स को कवर करते हुए आपके क्या प्रेजेंट है बोन्स प्रेजेंट है ठीक है तो ऑस्टिपिटल एक आपका ऑसिपिटल प्रेजेंट है दो आपके पेराइटल बोन्स प्रेजेंट है एक फ्रंटल सामने से आपका ललाट हड्डी दो आपके टेम्पोरल साइड में इधर और एक आपका और तो ये आपके टोटल प्रेजेंट होते हैं क्या ये टोटल आपके प्रेजेंट होते बोन्स जो आपके आपके कपाल के अंदर आपके खोपड़ी के अंदर जो क्रेनियल है आठ हड्डियां वो कुछ इस प्रकार से फ्रंटल बोन एक है ठीक है पेराइटल बोन आपकी साथ में आपकी टेम्पोरल बोन है ऑसिपिटल बोन है और यहाँ पर आपका इधर पे नहीं दिख रहा है कौन सा है आपका स्फेनोइडल बोन है और ये आपका इथमॉइड बोन है ठीक है ये आपका स्फेनोइड बोन है और ये आपका इथनोइड बोन है ये सब ये हड्डियां अब यहाँ पर ओसिपिटल कोंडाइल क्या है ओसिपिटल कोंडाइल ओसिपिटल डाइकोंडाइल ये वाला जो रीजन है आपकी खोपड़ी के अंदर यहां से आपकी रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है आपके कपाल के साथ ठीक है ये सब चीजें आप लोग याद रखेंगे टोटल आपकी कपाल टोटल आपके अ, कपाल के अंदर ठीक है टोटल आपकी कितनी हड्डियां होती है आठ हड्डियों का इस तरह से डिवीजन है देखो इस तरह से आपकी टोटल ये आठ हड्डियां एक ऑसिपिटल दो पेराइटल एक फ्रंटल एक फ्रंटल दो टेम्पोरल एक सेफेनॉइड और एक आपकी एथेनॉइडल ये आप लोग को याद रखनी है ठीक है हम सर दीपक को ब्लॉक कर दीजिए ठीक है एक या तो आप लोग एक सेकेंड या तो आप पढ़ लो दीपक ठीक है मैंने आपको आंसर कर दिया या तो आप पढ़ाई कर लो बच्चे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा ये बस आप लोग के लिए इंस्ट्रक्शन है हाँ ये आपको पहली और लास्ट इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट आप लोग देखो इधर पे

हैं, हैं, तो आपके है, तो आपके है, तो है, एक एक है है, और एक आपका मैंडिबल है, तो ये आपकी 14 आप लोग को याद रखनी है इंस्ट्रक्शन नहीं मैंने सर को बोल दिया है सर भी क्लास देख रहे हैं उनको, ठीक है आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग ये सभी 14 बोन्स जो है आप इस पे ध्यान दो 14 आपकी कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है ठीक है नेक्स्ट आप लोग देखेगा फोर्टीन बोन्स की लोकेशन आप देखो आपकी जो फेशियल बोन्स प्रेजेंट है लेक्रिमल बोन्स आई सॉकेट वाली नेजल बोन्स मैंडिबल और एक ये अलग से आपके हाइड बोन प्रेजेंट होती है तो इन सब के बारे में आप लोग को याद रखना है ओके अब यहाँ पर ये हाईड बोन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चे ये आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होती है देखो आपके लैरिंग्स है लैरिंग्स का दूसरा नाम बताओ मुझे लैरिंग्स का दूसरा नाम बताइए क्या है हुँ? लेरिंग्स का दूसरा नाम बताइए क्या होगा आपका और लैरिंग्स लैरिंग्स जो है इसका दूसरा नाम आप लोग मुझे बताइए और हायअर्ट बोन इसी के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये सिंगल बोन प्रेजेंट होती है जो आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होती है हाँ ये इथ एक है नेजल टू है हाँ वीर कुमार ये आपके मैंने आपसे लैरिंग्स पूछा है इसको वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स बोला जाता है ठीक है जहां से आपकी साउंड प्रोड्यूस होते हैं तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है इसमें वाइब्रेशन की वजह से जब भी हवा अंदर जाती है वो वाइब्रेट करती है साउंड बॉक्स को आप लोगों ने कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा हाईओ हाँ, हाँ, तो एक ही होती है एक ही सिंगल हड्डी और वो किसी दूसरी हड्डी के साथ नहीं जुड़ी हुई है यही इसके फीचर है ये यू शेप्ड बोन है और ये किस से दूसरी हड्डी के साथ नहीं जुड़ी हुई है आप लोगों ने कभी यह क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम जो आपका ये ये साउंड बॉक्स है आपके विंड पाइप पे ही क्यों प्रेजेंट है ये आपके फूड पाइप पे क्यों नहीं प्रेजेंट है है बच्चे जैसे sound, जैसे साउंड आप वॉइस हवा अंदर जाती है साउंड बॉक्स के अंदर वाइब्रेशन होती है उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है ठीक है इसी वजह से आप लोग बोल पाते हो जब तो आप सांस अंदर लेते हो बाहर लेते हो तो इसके अंदर कंपन आते वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है ठीक है

ए के हाईड हो गई अब आपके दोनों कानों के अंदर तीन तीन आपकी ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है इसी तरह से आगे अभी आपकी अः एक स्टर्नम को हम लोग काउंट करेंगे फिर आपके रिब्स को काउंट करेंगे फिर आपके वर्टिबल कॉलम को काउंट करेंगे तो टोटल मिला के अस्सी हड्डियां मौजूद होते हैं आपके अक्षय कंकाल के अंदर अब दोनों कान के अंदर बाहर तो है कार्टिलेज ठीक है अंदर आपका क्या प्रेजेंट है अंदर आपके तीन ईयर ऑसिकल्स तीन आपके कान के अंदर हड्डियां मौजूद है कौन कौन सी वो तीनों हड्डियां हैं इन्हीं इन्हीं तीनों हड्डियों के अंदर यहां पर ये तीनों आपके मिडिल ईयर के अंदर अंदरूनी कान के अंदर सॉरी अंदरूनी मध्य कान के अंदर मध्य कर्ण के अंदर ये तीनों जो हड्डियां मौजूद हैं ये क्या करते हैं साउंड जो एंटर कर रहे हैं उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं उसको बढ़ा दे रही हैं ताकि यहाँ पर अंदर जाके वो वाइब्रेशन कॉज कर सके तो ये तीनों जो आपकी ईयर ऑस्टिकल्स होती है जो छोटी छोटी तीन हड्डियां होती है इनका नाम है मैलस और स्टेप्स, और इन्हीं को ही कान की अस्थियां भी कहा जाता है ठीक है हाँ, आपका आपका होता है और है और आपका U -shaped bone होते है। is a nasal passage, वो रास्ता है जहां से साउंड आपके अंदर जा रही है इज एट थिंग इज क्लियर टू यू अब आप यहाँ पर एक चीज देखेगा इन तीनों हड्डियों का ठीक है इन तीनों हड्डियों के शेप के अकॉर्डिंगली इन तीनों का दूसरा दूसरा भी नाम है क्या है उनका दूसरा दूसरा नाम ठीक है इन तीनों हड्डियों का दूसरा दूसरा नाम आप लोग मुझे बताइए देखो मैलेस बोन का दूसरा नाम है आपका हैमर बोन ठीक है मैलेस बोन का ही दूसरा नाम है हैमर बोन और इंस्कस बोन का दूसरा नाम है एनवील बोन और साथ में आपका स्टेप्स बोन का दूसरा नाम है स्टेरा बोन ठीक है और ये जो है आपके स्टेप्स बोना ये आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कि आपके मिडल ईयर के अंदर मध्य करण मध्य कान के अंदर मौजूद होती है ठीक है ये कहां से जुड़ी होती है कौन सी मसल से यहाँ पर जुड़ी होती है तो ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है हाँ ज्यादा लंबे समय तक ईयरफोन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हपू सिंह ठीक है ये मैंने आपको ईयर के पार्ट में पूरा आप लोग को क्लियरली समझाया था ठीक है मैलेस आपकी हैमर है इंस्कस आपकी एनविल है और स्टेप्स आपकी स्टेयरअप है और आपके शरीर आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो आपके मध्य कान के अंदर मौजूद होती है खोपड़ी कॉलम के साथ जुड़ा होता है आपकी रीड की हड्डी के साथ जुड़ा होता है देखो ये जो आपका वर्टिबल कॉलम है रीड है जिसके अंदर आपके स्पाइनल कोर्ड आपकी जाती है ये कहा से जुड़ा होता है ये जुड़ा होता है ओसिपिटल डाय स्कल ठीक है इसलिए इसको डाई स्कल बोला जाता है अभी मैंने आपको बताया ऑस्टिपिटल कोंडाइल आपका एक स्कल बोन है ठीक है आपकी क्रेनियल बोन है जहां से ये जुड़ा होता है आपके वर्टिबल कॉलम के साथ यहीं से अटैचमेंट होती है आपके वर्टिबल कॉलम के साथ ओके तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है इसलिए इसको बोला जाता है दोनों पॉइंट्स पर ठीक है ऑस्टिपिटल कॉन्डाइल्स दोनों साइड से अटैच होता है आपका यहीं से वर्टिबल कॉलम के साथ हाँ Here, आपके बॉडी को भी रेगुलेट करते हैं, here, आपके बॉडी को भी रेगुलेट करते हैं ओके okay. नेक्स्ट आप बात करते हैं अब हम बात आज कर लेते हैं आप लोग के वर्टिबल कॉलम के बारे में ठीक है वर्टिबल कॉलम ये सब आपको मैं बता चुकी हूं यहाँ पर इन सभी को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हुए जो आपकी पैराइटल ऑसिपिटल टेम्पोरल फ्रंटल सिफेनोइड और इथमॉइड ये आपके क्या है ये सभी आपके क्या है आपके क्रेनियल बोन्स हैं और जो बचे हुए हैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए ये आपके जिग्मोइडल यहाँ पर आपके मैंडिबल यहाँ पर आपके मैगजिल और ये आपके लैक्ट्रीमल और यहाँ पे आपके नेजल ये सभी फोर्टीन बोन्स टोटल मिला के आपकी क्या बनाती है फेशियल बोन्स बनाती है ओके okay? ये सब चीजें आप लोग को क्लियर हो गई है नेक्स्ट आप लोग देखेगा वर्टिबल कॉलम की बात करें अगर आपके रीड की बात करें तो रीड की हड्डी के अंदर टोटल आपकी छब्बीस बॉन्स होती है उनकी उनके लोकेशन के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज और डिफ्रेंशिएट क्या हुआ है अब आपका देखो दो लोकेशन होते हैं एक वेंट्रल लोकेशन और एक डोर्सल लोकेशन डोर्सल का मतलब ऊपर वाला ठीक है ये डोर्सल लोकेशन को ऊपर वाला पृष्ठीय भाग कैसे बोलते हैं क्योंकि ह्यूमन का इवोल्यूशन जहां से हुआ है फोर लैक क्रिएचर से हुआ है ठीक है हम लोग खड़े होते गए हम लोग का जो अर्ली मैन से आप लोग इवोल्यूशन पढ़ते हो तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऐसे करके खड़े होते गए हैं तो इस वजह से इस पार्ट को डोर्सल पोर्शन बोलते हैं और पृष्ठीय रूप बोलते हैं तो यहाँ पर आपकी रीड प्रेजेंट या आपकी वर्टेबल कॉलम प्रेजेंट होती है जिसके अंदर टोटल आपकी 26 हड्डियां होती है कहाँ से शुरू होती है एटलस से शुरू होती है ये चीज आप लोगों को क्लियर है हाँ जी क्या हो गया कितना आप लोग लड़ाई करोगे कहा कब तक लड़ाई करोगे राहुल प्रतीक उर्दू में लिख उर्दू में नहीं हिंदी में लिख रहे हैं प्रॉपर हाँ अभी तक भी हाँ जी बचपन में हाँ बचपन में तैतीस होती है कैसे होते है? यहाँ पर आपकी कॉक्रिक्स फ्यूज है ठीक है साथ में आपके सेकुरम रीजन के अंदर लेकिन बड़े होते होते आ, वो पहले अलग, अलग अलग होते बड़े होते होते वो फ्यूज होकर आपकी सिर्फ टोटल छब्बीस बचती है ठीक है ये आप लोग हाँ वेंट्रल देखो Dorsal जो है पार्ट उसको बैक रीजन लेकिन वो आपका पृष्ठीय भाग उसको बोलते हैं मतलब हम लोग इवॉल्व हुए हैं तो हम लोग सीधे हुए तो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है ऊपर वाला हिस्सा फ्रंट बैक नहीं ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है लीव्स में भी हम लोग पढ़ते हैं ना Dorsal side एंड Ventral side उसी हिसाब से आप चीज को समझिएगा ठीक है हां 22 जून हां साल का सबसे लंबा दिन होता है कहां ठीक है सब सारी नॉलेज यहीं पे डिस्कस कर लो सभी चैप्टर्स पढ़ लो इधर देखिए सबसे पहले आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा देन आपकी थोड़े वर्टिब्रा देर सैक्रम एंड ये आपका पूरा डिवीजन है वर्टिबल कॉलम का ठीक है इधर देखिए आप लोग 26 सिक्स सीरियली अरेन्ज यूनिट्स होते हैं टोटल छब्बीस जिनको वर्टिब्रा कहा जाता है ठीक है कशे रोको हम लोग क्या है हम लोग वर्टिबल क्रिएचर्स है कॉर्डेट्स के अंदर हम लोग वर्टिबल कॉलम जिसके अंदर ये होलो वर्टिबल कॉलम है जिसके अंदर क्या जाती है जिसके अंदर से आपकी स्पाइनल कोड रन करती है क्या रन करती है आपकी स्पाइनल कोड रन करती है ठीक है डोरसली प्लेस्ड है एक्सटेंड करती है कहां से आपके स्कल के बेस से जहां से आपकी खोपड़ी का आधार है वहां से एक्सटेंड करते हुए ये आपका मेन यहाँ कॉकेक्स रीजन तक जाते हैं ठीक है हम लोगों के अंदर कॉकेक्स रीजन अब जो है हम लोग की टेल नहीं है ठीक है इसी को टेल बोन कहा जाता है टेल बोन इसी को कहा जाता है हम लोगों ने इवोल्यूशनरी मेजर्स इवोल्व करते हुए हमारी टेल जो है वो शॉर्ट हो गए छोटी हो गए वहीं पर जो अदर क्रिएचर्स है उनमें ये कॉकेस जो है एलोंगेटेड और बड़ी होती है ठीक है हम ठीक है इस चीज को आप लोग याद रखिएगा लोम्बर रीजन हाँ लोम्बर रीजन आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन होता है और यही जो रीजन है इसी के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पर लोम्बर रीजन के अंदर ही प्रॉब्लम आ जाती है फीमेल के अंदर ठीक है ये सब लोग आप लोग याद रखिएगा हाँ नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट आप लोग देखो ध्यान से ये सब चीज आपकी क्लियर हो होगी मेन फ्रेमवर्क आपके पूरे मुख्य ढांचे का जो मेन फ्रेमवर्क है वो आपकी रीढ़ की हड्डी रीढ़ के साथ ही जुड़ा हुआ है ऑफिशियल हाँ जी न्यूरल कैनाल भी इसी को बोला जाता है जहां से आपकी स्पाइनल कोड रन करती है ठीक है कैनाल मतलब नहर ये एक नली है जिसी के अंदर से ही आपकी स्पाइनल कोड रन करती है जो कि अलग आपके फेरिफिल नर्वस सिस्टम को भी कनेक्ट करती है जहां से आपकी पूरा इंफॉर्मेशन जा सके सब कुछ

इसको इस हिसाब से इसकी टर्म टर्मिनोलॉजी की हुई है ओके okay, ऑफिशियल हाँ ये पहले फ्यूज ठीक है बच्चों में आपकी फाइव बोन्स होती है अडल्ट के अंदर ये फ्यूज होके एक ही बन जाती है जिसको टेल बोन बोला जाता है पूछ वाली हड्डी बोला जाता है इज इज थिंग क्लियर टू यू नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं यहाँ पर ईच वर्टिब्रा हर एक जो वर्टिब्रा है उसके अंदर एक सेंट्रल होलो पोर्शन जिसको न्यूरल कैनाल जो मैं आपको समझा चुकी हूँ हाँ होमोसेपियंस हम लोगों का साइंटिफिक नेम है ठीक है जिसके थ्रू आपके स्पाइनल कोड रन करते हैं। अब ये कितना कितना है सर्वाइकल है टोटल आपकी सात थोरेसिक है बारह लंबर है पांच और सेक्रम है आपकी पांच फ्यूज जुड़ी हुई और कॉकेल है आपके चार ठीक है कॉकेल आपके चार जो फ्यूज होके अभी हमारे अंदर एक है ठीक है ये सब चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई हम्म हाँ बेबीज भी क्वायरल करते हैं स्टार्टिंग में ठीक है उनके पास ये एक्स्ट्रा भी होती है बाद में जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी ये फ्यूज हो जाती है इज दैट थिंग इज क्लियर टू यू सारी यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं हाँ जी डार्विन की एक्चुअली देखो डार्विनिज्म पर लेमार्किज्म पर हम लोग बिलीव करते हैं लेकिन हम अर्ली क्रिएट अर्ली जो मैन है वो फोर लिम्स पर ही मूव करते थे ठीक है हम लोग का जो इवोल्यूशनरी मेजर्स हम लोग पढ़ते हैं वो भी इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं ना ठीक है सेक्रम आपकी फाइव बोन्स फ्यूज होती हैं और नीचे आपकी कॉकलियर फोर बोन्स फ्यूज होती हैं ये है आपकी वर्टिबल कॉलम ठीक है ये इस तरह से पूरा व्यू से जुड़ा है है अभी ठीक से जुड़ा हुआ है ये ये आपका ओके चीज आपको क्लियर हो चुकी है नेक्स्ट आप लोग आप लोग मूव करते हैं फर्स्ट वर्टिब्रा कौन सी है बताओ फर्स्ट वर्टिब्रा मैं बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में हाँ मतलब पढ़ाई में किसी का ध्यान है अमन कुमार ठीक है हाँ कमल किशोर नीरज कुमार खुशनुमा चौधरी नितेश क्वेश्चन का आंसर बताइए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट कहाँ से अटैच होता है उसका नाम बताओ फर्स्ट बोन कौन सी है हम्म ये है एक्चुअली हाँ ऑफिशियल देखो थियोरीज के बेसिस पर ही मैं आप लोग को चीज चीज ये अगर आप ठीक है कनेक्टिंग लिंक कुछ ना कुछ होना चाहिए लेकिन कनेक्टिंग लिंक्स आपके वो भी तो हो रहे हैं एक्सटिंग भी तो हो रहे हैं दूसरी चीज हमारी जो मूवमेंट होती है बच्चा पहले फोर लिम्स पर चलता है देन वो स्ट्रेट चलता है देन उसके बाद ए, ए एज ओल्ड में भी आप दोबारा से बैंड हो जाते हो उसी के बेसिस पे मैंने आपको ये चीज बताई है है ना हुँ. सर्वाइकल कहा से बोल रहे हो किधर से कुछ भी तुक्का मारो मतलब कैसे भी तुक्का तुक्का मारो मारो पर एटलस मारो है है ठीक इधर लिखा हुआ है फर्स्ट जो वर्टिबल है उसका नाम एटलस है किससे जुड़ी हुई है एक्सिस से साथ जुड़ी हुई है ठीक है ये आपके ब्रेन के साथ ये मैं आपको आखिरी क्लास में भी बता चुकी थी पूरी क्लासेस तो आप लोग ध्यान से देखते नहीं हो गप्पे इतना ज्यादा मान रहे हो आप मार रहे हो आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं है आप लोगों का पढ़ाई हाँ में बिल्कुल भी पहली जो वर्टिब्रा है उसका नाम है एक्सिस ठीक है इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल यही आपके ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ जुड़ी होती है ठीक है फर्स्ट जो वर्टिब्रा है जहां से शुरुआत होती है सर्वाइकल की ये पहली वर्टिब्रा है इसका नाम है एटलस और ये जुड़ी होती है आपके डाइकोंडाइल ऑसिपिटल से अभी बताया जो पीछे आपका जॉइंट है और वहीं से पूरी आपकी वर्टिबल कॉलम की शुरुआत होती है इसी के अंदर आपकी रीड की हड्डी रन करती है इस दैट थिंग इज क्लियर और ये जो ऊपर है इसके ऊपर है एक्सेस ठीक है इसके ऊपर है एक्सेस हाँ नहीं अन अकेडमी पर नहीं है यहाँ पर आपकी क्लास हो रही है मतलब पढ़, पढ़ लो अभी ध्यान से उसके बाद आप लोग बात करते हैं ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बारे में पहली जो वर्टिब्रा है ये मैं आपको बता चुकी हूँ ये दोबारा से क्यों आ गया फिर ठीक है अब ये वर्टिबल कॉलम का डिवीजन भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले आपके सर्वाइकल है यहाँ आपकी एटलस है सर्वाइकल की सबसे पहली जो हड्डी है पहली जो वर्टिब है रीढ़ है उसका नाम है एटलस जो कि आपके ऑस्टिटल के साथ जुड़े टोटल ये सात हैं फिर आपकी बारह है फिर पांच है और फिर नीचे एक फ्यूज और एक आपके फ्यूज रीजन में कॉके गल है ठीक है इन सबको काउंट करेंगे तो टोटल आपकी छब्बीस के आएंगी तो छब्बीस वर्टिबल कॉलम है हमारे अंदर ठीक है छब्बीस वर्टिबल कॉलम हमारे

के अंदर वहीं पर आप बात करेंगे रीड की हड्डी क्या इसका एक बार मुझे आप लोग कौन एक बार रेस करके बताओ कौन कौन आप लोगों में से ब्लॉक होना चाहते हैं हाँ जी हाँ सात ग्रीवा ठीक है सात नहीं ये ग्रीवा नहीं ठीक है जय गोविंद सर्वाइकल को यहाँ ग्रीवा कहा लिखा है सर्वाइकल बोन्स यहाँ पर आपकी वो आ, साथ आपकी सर्वाइकल बोन्स होती है एक सेकेंड ये मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है इसमें मार्कर क्यों नहीं चल रहा है इधर हैंड रेस करके बताओ कौन कौन चाहता है कि मुझे ब्लॉक कर दिया जाए हाँ मेन टॉपिक के अलावा सब कुछ यहाँ डिस्कशन हो है सबके सब, सब अपने ही गपों में लगे हुए हो हम्म खुशनुमा चौधरी क्या क्वेश्चन है आपका पूछो आपका क्या क्वेश्चन है मैं आपको बताती हूँ हाँ ये C7 T12 और आपका लोम्बर फाइव ठीक है ये सभी है और आपका सैक्रल वन फ्यूज और साथ में आपका कोकेल वन फ्यूज ठीक है फाइव से बनाओ इज दैट थिंग हाँ मेन काम क्या होता है अमन स्टेन वेरी गुड ठीक है मेन काम आपके वर्टेबल कॉलम का ये जो आपका रीड है इसका मेन काम होता है स्पाइनल कोर्ट को प्रोटेक्शन देने का ठीक है स्पाइनल कोर्ड को प्रोटेक्शन देने का और दूसरा आपका काम होता है इसका आपके हेड को सपोर्ट करने का ठीक है आप लोगों ने कुछ लोगों में देखा होगा उनकी जब रीड की हड्डी उनका जब वर्टिबल कॉलम जो एटलस है उसकी अटैचमेंट हट जाती है ठीक है उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है तो उनका हेड जो है वो उनका एक साइड लीन होने लग जाता है उनको दिक्कत होने लग जाती है तो ये आपके हेड को सपोर्ट कर रहे हैं साथ में यही आपके रिब्स का और मस्कुलेचर ऑफ द बैक आपके बैक रीजन के जो भी मस्कुलेचर है उन उनके अटैचमेंट पॉइंट का भी काम करता है मतलब आपकी जो रीड की हड्डी है इसी के साथ ही आपकी पसलियां पीछे की तरफ जाके जुड़ती हैं ये बात आप लोग को समझ में आई हाँ जी हम्म ओके okay, खुशनुमा चौधरी आप लोग यहाँ पर ठीक है आप लोग यहाँ पर इस क्लास को अटेंड करो ठीक है आप लोग जो भी ट्वेल्थ क्लासेस में हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट सेशन है मैं आप लोगों को हर चीज प्रॉपरली डिस्कस करा रही हूँ ठीक है हाँ जी हम्म ओके ठीक है हाँ वही जो ये आपका वर्टिबल कॉलम है ना कुलदीप खुशावा ठीक है अगर कोई पर्सन जो है ठीक है अगर एक्सेस में अपना ओवरबर्डन दे रहा है और रीड की हड्डी प्रॉपर मजबूत डेवलप नहीं हो पा रही है तो धीरे धीरे इसमें बैंडिंग होने लग जाती है तो जो ये आपका ऊपर वाला रीजन है सर्वाइकल है सर्वाइकल के जो तो थोरेसिक रीजन है वहां की अटैचमेंट में आपका एक हम्प जैसे फॉर्म होने लग जाता है ठीक है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की तरफ भी वर्क करता है रिप्स रिप्स पीछे जाके जहां पर जुड़ती है ना वो आपके रीढ़ की हड्डी के साथ ही जुड़ते हैं पीछे जाके सारे के सारे रिब्स जो हैं वो आपके रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ते हैं और आगे की तरफ जहां पर वो जुड़ रही है क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि जो एक ग्रीन कलर का यहाँ पर दिखाया हुआ है जहां पर आगे की तरफ आके मैं आप लोगों को दिखा भी चुकी हूँ अभी जहां पे आगे की तरफ आके ये सभी जो आपकी पसलियां हैं वो जुड़ी हुई हैं ये ग्रीन कलर की जो एक हड्डी यहाँ पर दिखाई हुई है इस हड्डी का नाम बता दो मुझे इस हड्डी को आप क्या बोलेंगे हाँ जी हुँ. हाँ लोअर बैक पेन प्रॉब्लम भी हो जाती है एग्जैक्टली exactly. इस सवाल का जवाब बताइए खुशनुमा चौधरी कि पीछे की तरफ तो मैं आपको बता चुकी हम अटैचमेंट की तरह काम करिए जो आपकी वर्टिबल कॉलम है ठीक है यहीं से आपके रिप्स अटैच कर रहे हैं मस्कुलेचर जो बैक है वही यहाँ पर ही सब अटैच कर रहे हैं लेकिन आगे की तरफ जहां पर आपकी पसली आकर मिलती है जुड़ती है इस ग्रीन कलर वाली हड्डी को आप क्या बोलेंगे इसका आप लोग को रोल रोल समझ में आया कि ये जो स्टर्नम है इसका रोल मेन यहाँ पर है इस ये एक ही हड्डी है जो आपके फ्रंट में जहां से आपकी कितनी रिप्स है ठीक है टोटल आपकी जो बारह रिप्स है एक साइड में देखो काउंट करके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आपके बिल्कुल ट्रू रिप्स हैं उसके बाद थ्री इसके साथ अटैच हैं फिर दो आपके फ्लोटिंग रिप्स बिल्कुल फ्लोटिंग uh, रिप्स तो ये सभी जो हैं मिलकर जो ये सात रिप्स है जिस जिस हड्डी के साथ जुड़ रही हैं वो हड्डी होती है स्टर्नम ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है आपकी पसलियों का और पीछे ये किसके साथ जाके जुड़ी हुई है पीछे ये साथ में जुड़ी हुई है आपकी थोरेसिक थोरेसिक जो आपका वर्टिबल है उसके साथ जाके इनकी अटैचमेंट हो रखी है ठीक है ये सब चीज आपको क्लियर हो चुकी है तो यहां तक आप लोग देखो स्टर्नम का रोल बताओ एक बार मुझे स्टर्नम का रोल बताइए टोटल आपके ट्वेल्व रिब्स होते हैं ठीक है ट्वेल्व पेयर ऑफ रिब्स हैं दोनों साइड बारह बारह ठीक है बारह आपकी पसलियां आगे की तरफ आके स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई हैं और पीछे जाके आपके थोड़े सिक में जुड़ी हुई हैं ठीक है हाँ हाँ सीपीआर में आप इस स्टर्नम बोन को ही प्रेस करते हैं अब ये जो रिब्स हैं, इनके अंदर कौन सा इन रिब्स के अंदर आपकी पसलियों के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है ये कौन बताएगा मुझे पसलियों के अंदर लोकेटेड आपका इंटरनल ऑर्गन कौन सा है हाँ टोटल आपके बारह पेयर्स हैं, बारह जोड़े हैं और बारह जोड़े मतलब चौबीस ही होगा माही शर्मा ठीक है हाँ रिप्स को जोड़ता है वेरी गुड जय गोविंद वेरी गुड हाँ ठीक है ये आपके हा स्टर्नम वही मैंने बताया कि जो आपके साथ जो ट्रू रिप्स हैं वो जाके जुड़ती है आपके स्टर्नम के साथ और जो आपकी फोल्स रिप्स हैं वो सातवें के साथ जुड़ती हैं और नीचे जो आपकी फ्लोटिंग रिप्स है वो ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं इस देर थिंग इज क्लियर हाँ ये थोड़े सीजन के साथ अटैच है अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि इन पसलियों के अंदर कौन सा अंग मौजूद है कौन सा आपका ऑर्गन इन पसलियों के प्रोटेक्शन के अंदर रहता है सिर्फ दिल रहता है शीतल कुमारी सुशील पासवान दिल रहता है सिर्फ ठीक है छोटा सा दिल रहता है बस आपका सबसे बड़े दोनों साइड आपके फेफड़े हैं आपके आ, लंग्स हैं और एक आपका दिल है साथ में आपका क्या है एक आपका आ, लंग्स है सॉरी आपका लीवर है डायफ्राम रीजन है ये सभी ये सभी आपका थोरेसिक रीजन के अंदर आता है ना और ये जो आपका आप अपने जो लीवर की बात करें वो लोअर एबडोमिन रीजन के अंदर आता है यहाँ पर आपके दोनों आपके फेफड़े रहेंगे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ठीक है उनके बाहर वाले लेयर को क्या बोलेंगे और यहाँ पर आपका लेफ्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड तिल तिल आपका दिल है इसी वजह से आपका लेफ्ट वाला जो लंग्स है ठीक है जो फेफड़ा है उल्टी तरफ में वो थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि आपके दिल को भी तो एडजस्ट करने का है हाँ जी ठीक है बादल कुमार हाँ इतना आप लोग पिटाई खाते थे स्कूल टाइम में ठीक है जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं करा बच्चे एक बार वो क्लास को लाइक कर दो अभी तक बहुत स्लो चल रहे हो आप लोग थाइमस जो है रितेश दुबे वो मैं आपको बता चुकी ये जो आपका स्टर्नम है ठीक है यहीं पर आपकी थाइमस ग्रंथि मौजूद होती है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करती है ठीक है हाँ कार्डियक नोच हाँ ठीक है ये सब चीजें आप लोग समझ चुके हो आप इधर देखिएगा ये मैं आपको बता चुकी हूँ वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोड़े सिक्स एक, एक फ्लैट बोन और ये आपकी चपटी बिल्कुल फ्लैट बोन है ठीक है और ये वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोड़े थोड़े रिजन के वेंट्रल सामने की तरफ के मिड लाइन की तरह काम करते हैं वेंट्रल और डोसल और ये आपका वर्टिबल कॉलम जो है पीछे की तरफ डोसल पोर्शन में है और उसके सामने वाला पोर्शन आपका वेंट्रल पोर्शन है जहां पर ये एक लोता एक फ्लैट बोन स्टर्नम मौजूद है जिसके साथ आपकी ये अटैच है ठीक है ये जो स्टर्नम है ये इजिली विजिबल भी आप लोग का होता है ठीक है हाँ और आपका जो लंग्स आपके जो फेफड़े हैं वो डाई आ, आ, फ्लूरल मैमब्रेन ठीक है फ्लूरल मैमब्रेन उसके चारों दोनों डबल मैम्ब्रेन एक लेयर है आपके लंग्स चारों तो हैं उसको प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं रिप्स को हिंदी में पसलिया कहा जाता है ठीक है बोलते नहीं है पसलियों में दर्द हो रहा है यहाँ पर हड्डी पसलियां एक कर देंगे हड्डी पसलियां तोड़ देंगे तो वही आपकी पसलियां होते हैं भाई एग्जैक्टली exactly, हाँ व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रिपरेशन पॉइंट ठीक है व्हाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हाँ आपके thymus, uh, T सेल्स का फॉर्मेशन होता है शीतल कुमार जो आपके टी सेल्स हैं टी लिम्फोसाइड सेल्स जो होते हैं आपके ठीक है ग्रे, के अंदर हम लोग lymphocytes की बात करते हैं वेरी गुड आप लोग मतलब अच्छा है सभी doubts आप साथ में रखते हो granulocytes के अंदर आपके lymphocytes आते हैं ठीक है lymphocytes के अंदर बच्चे आपके टी सेल्स आते हैं जो ये टी सेल्स हैं ठीक है थाइमस सेल्स जो हैं जो आपके सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को रिस्पॉन्ड करते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है वो यहां पर होता है ठीक है और ये आपका इम्यून सिस्टम को कौन सा थारॉइड जो थाइमस ग्रंथियां ग्रन, जो यहाँ पर मौजूद है उनसे थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है आपके ब्लड के अंदर डायरेक्टली ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है यहाँ पर आपका टी सेल्स का ठीक है टी सेल्स का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट होता है इज दैट थिंग इज क्लियर टू वो ओके ठीक है आगे देखिए आप लोगों के लिए अब इन सब के बारे में बात करते हैं बारह जो पेयर हैं ठीक है बारह जो आपके पसलियों के पेयर मौजूद हैं उनमें डिवीजन सबसे पहले ऊपर वाले सात को हम ट्रू रिब्स कहते हैं ये ठीक है और हर एक जो रिब है वो इस आपका वेंटली प्लेस्ड स्टर्नम के साथ अटैच्ड है सेवन पेयर्स की मैं बात कर रही हूं जिनको आपका ट्रू रिब्स कहा जाता है ये लेक्चर ही कुछ ऐसा है ये आप लोगों का स्केलेटर सिस्टम घबरा जाता है खुद भी ये नहीं चाहता कि मुझे फिनिश किया जाए इसलिए इसी क्लास में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इधर देखिए ट्वेल्व पेयर ऑफ रिब्स ठीक है ईच रिब रिब इज कनेक्टेड हर एक एक आगे की तरफ से फ्लैट बोन के साथ है जिसको स्टर्नम कहा गया है एंड टू एट्रिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल एंड ठीक है पीछे की तरफ उसके दो आपके सरफेसेस आगे की तरफ वो सभी स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है हाँ जी फर्स्ट टू सेवन आपके ट्रू रिब्स हैं और और सभी जो हैं वो आपके फोर्स uh, रिब्स हैं इधर देखिए टू एट्रिकुलेशन सरफेसल एंड ये जो आपके रिब्स हैं इनके पीछे की तरफ पे टू एट्रिकुलेशन सरफेसिस होते हैं जिन इसी वजह से आपके जो रिब्स हैं उनको पीछे की तरफ बायस सिफेलिक रिब्स कहा जाता है इस चीज को आप लोग आगे की तरफ वो स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं और पीछे की तरफ वो आपका किसके साथ आपका थोरेक्स जो वर्टिव है उसके साथ अटैच होते हैं नेक्स्ट आप बात करते हैं टू रेट्स में बता चुकी हूं सेवन पेस डोर्सली अटैच टू थोरेसिक वर्टिब्रा और वेंटली अटैच्ड होती हैं अब किसकी हेल्प से अटैच होते हैं आप लोग आप लोग का देखो जो भी हम हड्डियों की बात करते हैं हमने बात किया वर्टिबल कॉलम जो ये है ये सभी हड्डियां हैं लेकिन आप लोग सांस ले पा रहे हो आपके रिब्स जो है वो आगे पीछे मूवमेंट कर पा रहे हैं ठीक है हड्डियों के अंदर तो इतनी ज्यादा फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है तो कुछ तो यहाँ पे नरम हड्डी मौजूद है जिसकी वजह से आपके रिब्स के अंदर मूवमेंट हो पा रहा है आप लोग बता सकते हैं किसकी वजह से वो मूवमेंट हो पा रहा है ठीक है हाँ जी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ आपकी फ्लोटिंग रिब्स है ठीक है एट नाइन्थेंथ आपकी फॉल्स रिप्स है मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रही हूँ अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आपके रिब्स के अंदर मूवमेंट होती है ठीक है आप लोग सांस लेते हो और रिब्स जो है आपके आगे पीछे मूवमेंट करते हो क्योंकि आपके फेफड़े जो है जैसे वो सांस अंदर लेते हैं वो इनहेल करते हो एक्सहेल करते हो तो किस कारण की वजह से होता है क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जिस पॉइंट पर आपके रिप्स अटैच होते हैं ठीक है ये जो स्टर्नम के साथ जहां पर अटैच होते हैं यहां पर प्रेजेंट होता है आपका हयालीन कार्टिलेज ठीक है हयालीन कार्टिलेज की वजह से ही आपके मूवमेंट्स हो पा रहे हैं स्टर्नम के साथ जहां पर कार्टिलेज एग्जैक्टली exactly उस कार्टिलेज का नाम ये है हाँ जी हुँ. स्नेक्स में सबसे ज्यादा फ्लोटिंग रिब्स होती है। ये पॉइंट है हाँ। वो वेरी गुड शीतल उसको आप लोग यहाँ पर याद रखेगा ठीक है यहाँ पर हयालीन काटलेज एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जैसे पीछे मैंने आपको हयाइड बोइन बता हॉइड बोइन अः हॉइड बोन बताया था जो कि आपका अः बकल कैविटी के बेस में प्रेजेंट होता है उसी तरह से स्टर्नम पे जहां पर अटैच कर रही हैं आपकी जाकर वहां पर आपका मौजूद है इसको आप लोग याद रखो ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आते हैं जिनको आप लोग को याद रखने का है ओके ट्रू रिप्स हो गए हैं आपकी अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका किसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं ट्वेल्व पेयर्स ऑफ ये हो गया क्यों गलत कैसे चल रहा है आज ये इधर आपकी फोल्स रिप्स है एट नाइन्थेंथ आपके फोल रिप्स क्यों इनको फोल्स रिप्स कहा गया क्योंकि डायरेक्ट ये आपके स्टर्नम के साथ जाके जय जा, नहीं जुड़ा है ये आपके सेवंथ रिप्स के साथ जुड़ा है ठीक है इसलिए इनको फोल्स रिप्स कहा गया कि मतलब जुड़ी तो हुई है पसलियां जुड़ी तो हुई है लेकिन आपके स्टर्नम के साथ ना जुड़ के ये आपके सेवंथ रिप के साथ सातवें पसली के साथ जुड़ी हुई है इसलिए इनको फोल्स रिप्स कहा गया है इसलिए इनको फोल्स रिप्स कहा गया है ठीक है और ये भी यहां पर भी हयालीन कार्टिलेज की मदद से जुड़े आप लोग ये मत सोचेगा कि मैम ये किसके साथ जुड़े तभी आप लोग यहां से अपना टच भी कर सकते हैं ठीक है जब आप लोग जब आप लोग वर्कआउट करते हो ठीक है तो ये जो चीज है आपकी ओपन आपको दिखाई देती है तो ये चीज आप लोग पकड़ भी सकते हो इस चीज को और यहाँ पर आपका पेन भी होता है जब आप एक्सेस में वर्कआउट करते हो तो ये आपकी क्या होती है पसलियां होती है तो ये सब चीज आप लोग याद रखेंगे ठीक है हाँ ओके फ्री बोन्स जो होती है ना शीतल कुमारी वो आपकी फ्लोटिंग रिप्स को बोलते हैं फ्री बोन्स ठीक है ये आपकी अटैच uh, है सेवंथ रिप के साथ अटैच है और ये भी आपके कार्टिलेज की ही मदद से अटैच है वहीं पर जो लास्ट के जो दो पेयर्स हैं आपके इलेवंथ एंड ट्वेल्थ ये किसी भी वेंट्रली किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं लेकिन डोर्सली कनेक्टेड है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं डोर्सली किसके साथ कनेक्टेड है ये डोर्सली ये आपके रीजन के साथ ही कनेक्टेड है तो इस तरह से वर्टिब्रा रिब्स एंड स्टर्नम ये सब मिलके ही आपका रिब केज फॉर्म करते हैं मान के आपका पक, जो आपकी ये पसलियां हैं इनका जो ये पूरा केज है पिंजरा जैसे बना हुआ है इनके अंदर आपके तीनों चीजें इन्वॉल्व है टोटल आपके जितने भी वर्तिब्र हैं साथ में आपका रिब्स कितने हैं साथ में आपका स्टर्नम सभी मिलाकर आपका बनाते हैं टोटल आपका रिब केज तो यहां पर आपके इक्यावन ये हो गए अब इनकी कैलकुलेशन कराइए एक बार फिर ही आप लोग का अपेंडिकुलर मूव करेंगे एक बार मुझे बताओ कैलकुलेट करके कि

फिर मैंने आपको बताया कि बारह जोड़े आपके रिब्स के हैं तो टोटल आपकी चौबीस रिप्स के अंदर हो गई फिर आपके टोटल वर्टिबल कॉलम रीड के अंदर कितनी होते हैं टोटल आपके छब्बीस होते हैं तो इनको आप लोग एड करेंगे तो आपकी अगर अस्सी आ रही है जोड़ के तो आप लोग सही है नहीं आ रही है जोड़ के तो आप लोग गलत है सुधांशु शर्मा नमस्ते ठीक है हाँ क्लैरिक जो आप क्लेविकल की बात कर रहे हो ना ब्यूटी बोन की जो आप लोग बात कर रहे हो अभी स्केप्यूला और आपकी ब्यूटी बोन क्लेविकल के बारे में हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पढ़ते हैं ठीक है चिंटू कुमार पढ़ लो भाई पढ़ लो ठीक है कितनी बार आप लोग बोलोगे एक ही बात को हाँ ही अटैच होते हैं क्लैविकल जो अमन कुमार आप बोल रहे हो रिप्स, क्या है? रिप्स पूरे के आपके जो सभी पसलियां हैं बारह जोड़े पसलियों के इनको जोड़ो भाई देखते हैं आप लोग को मैथ्स आता भी है या फिर बिल्कुल डावा डोल है आप लोग का माह शर्मा इनको जोड़ के बन गया अस्सी इनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है हाँ जी विजय कुमार मैं एकदम बढ़िया हूँ आप लोग कैसे है इनको जोड़ो एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ इनको ऐड करके कि इतना आप लोग का क्लियर हो चुका है ये जोड़ के क्या आपकी अस्सी बन रही हैं तभी हम लोग आगे मूव करेंगे हाँ जी जय भीम अमित खालसा जय भीम जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं करा है वो क्लास को लाइक कर दो तो, 110 लाइक्स के बाद ही आगे मूव करेंगे रमेश पाल बोट राधे राधे सबके सब मतलब इतने ज्यादा आप लोग स्पिरिचुअल हैं आध्यात्मिक हैं भगवान का नाम लेने वाले हैं हाँ जी रीट का एग्जाम भी जल्दी होगा बच्चे अब आपके ना जुलाई फर्स्ट सेकेंड वीक से एग्जाम धमाकेदार होने वाले राजेश बिश्नोई ठीक है हाँ, आपके एग्जाम धमाकेदार होने वाले तो प्रिपरेशन को आप लोग कंटिन्यू रखिए क्रिस्टल क्लियर कैलकुलेशन हो गया है अर्जुन ठीक ठीक है है क्लियर है कैलकुलेशन हाँ दिखाई नहीं दे रहा है अमन कुमार ये क्यों दिखाई देगा आप लोग डे सेलिब्रेट करो हरितेश दुबे बोल रहे हैं फर्स्ट क्लास भाई मैं आप लोग के नाम जानती हूँ अब ओके यदुवंशी छोरा नमस्ते नमस्ते आप लोग कहाँ कहाँ से लिखे हाँ मैं मेरा वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है तुरंत से इनको कैलकुलेट कीजिए बाईस प्लस एक तेईस तेईस प्लस छ कितना हो गया ठीक है ट्वेंटी थ्री प्लस सिक्स ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन प्लस वन थर्टी थर्टी प्लस थर्टी uh, 30... प्लस फिफ्टी कितना हो गया एट्टी हो गया बिल्कुल ये तो बिल्कुल सीधी सी कैलकुलेशन थी को इतनी कैलकुलेशन भी आप लोग नहीं सही कर पा रहे हो तो एट्टी प्लस बिल्कुल भी नहीं है वीर कुमावत पूरी अस्सी हड्डियां हैं इनको जोड़ोगे पचास होगा ऊपर वाले तीस हैं तो तीस प्लस पचास अस्सी उम्मीद से बहुत ज्यादा नीचे चलते जा रहे हो आप लोग कितना कितना गलत करोगे हाँ तीन क्यों काउंट करोगे शीतल कुमारी दो कान है ना आप लोगों के पास बच्चे दोनों कानों के अंदर तीन तीन हड्डियां हैं ऐसे तो आप बारह जोड़े हैं आपके एक ही साइड के पसलियों को काउंट करो दोनों साइड के पसलियों के अंदर बारह बारह है ना तो चौबीस हो गए आपके कान भी आपके दो हैं पसलियां भी आपके दो हैं ठीक है जहां जोड़े हैं वहां जोड़ों में गिनो भाई ठीक है सब सिंगल नहीं है सिंगल नहीं है सभी जोड़े में भी है पेयर में भी है तो पेयर वालों को पेयर में ही काउंट करो अब आपको ये सारी हड्डियां कंठस्थ हो जानी चाहिए अगली बार कभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग हड्डियां जो आपकी एक्सियल स्केलेटन के आपके अक्षीय कंकाल की जो हड्डियां हैं एक भी गलत नहीं करके आओगे प्रॉमिस करो मुझे तभी हम लोग आगे मूव करेंगे आज हम लोग प्रॉमिस डे मना रहे हैं हाँ। काउंट कर लिया बिल्कुल सही वेरी गुड प्रॉमिस करो एक्सियल बोन कोई गलत नहीं करके आएगा हाँ जी नेक्स्ट आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन पर मूव करते, करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पर मूव करते हैं सही से ही पढ़ाया है सुशांत जैन पूरी क्लास आपको देखनी चाहिए थी अभी आपका एक्सल स्केलेटन फिनिश हो गया प्रॉमिस करो एक्सल स्केलेटन की एक भी गलत हड्डी नहीं करके आओगे हाँ कुछ मिंगल भी है देखो मिंगल है सिंगल नहीं है सभी कुछ मिंगल भी है तो बोला तो वो जोड़े में कान की हड्डियां हैं पसलिया हैं वो सभी मिंगल हैं उनको बोला है मैंने ठीक है हाँ आप लोग के तो दिल पे लग जाती है ठीक है क्योंकि आप लोग सभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो सिंगल ही अपने आप को समझ रहे हो ना अभी हाँ एग्जैक्टली सुशील exactly, पाशवन वेरी गुड ठीक है जो भी बच्चा ये हड्डियां गलत करके आएगा एक्ज केलेटन की अक्षय स्केलेटन की वो उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी ठीक है पसलियां हड्डियां उसकी बराबर कर दी जाएंगी अब ये इंसान जा रहा है ठीक है हाँ. आप प्रॉमिस किया है आप लोगों ने एक्सो स्केलेटन की कोई हड्डियां हयालीन कार्टिलेज याद रखो कार्टिलेज याद रखो स्टर्नम याद रखो यही आपके मैक्सिममली पूछे जाते हैं ठीक है यही आपके मैक्सिममली पूछे जाते हैं अब मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ही इज मूविंग कैसे ये चल फिट पा रहा है ये हमने पूरा पढ़ लिया अब ये चल कैसे पा रहा है हाथों की मूवमेंट्स और टांगों की मूवमेंट्स कैसे हो पा रही है इनको हम लोग स्टडी करते हैं अपेंडिक्यूलर स्केलेटन के अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटन को ही बोला जाता है आपका उपांग कंकाल ठीक है उप अंग आप हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग हिंदी भी करो भाई यहां स्ट्रॉन्हा ये आपका बनता है उपांग ठीक है ये आप लोगों को संधि आने चाहिए संधि आती है एग्जाम में हिंदी भी आएगा यूपी ट्रिपल एस के लिए और जो भी बच्चे आपका हरियाणा एस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन वो अपने सभी चीजों को मजबूत कर लो ठीक है सभी चीजों को मजबूत कर लो हम्म मेरा नाम वर्षा है आप क्लास में यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा है ये आपकी साइंस की क्लास चल रही है तो अभी हम मूव कर रहे हैं ये मूव ये वीर कुमावत नलायक को ये जा रहा है ये आपको बता रहा है कि ये मेरे हाथ हैं और ये मेरे पैर हैं अस्सी हड्डियां आप लोग पढ़ चुके हो ठीक है अस्सी हड्डियां आप लोग 206 में से पढ़ चुके हो अब आपकी बारी है बची हुई कितनी 126 हड्डियां पढ़ने की वो 126 हड्डियों की मदद से ही मैं मूवमेंट कर पा रहा हूं अपने हाथों को भी हिला पा रहा हूं और पैरों को भी तो हड्डियों के साथ साथ गर्डल्स भी मौजूद हैं गर्डल्स यानी कि आपका कम धनी और साथ में इनको कहा जाता है कमरबन ठीक है जहां से ये आपके पैक्टोरल गर्डल्स है जहां से आपके दोनों आर्म्स आपके दोनों बाजुएं जुड़ी हुई हैं वहीं पर जहां से आपके दोनों पैर जुड़े हुए वो आपका पेल्विक गर्डल रीजन है ठीक है हां ठीक है ये आपका दीर्घ संधि वो मुझे स्वर संधि दीर्घ संधि वो तो मुझे राम रमेश इतना नहीं याद है पर आप लोग ये देखें हाँ जी ये आपका इधर देखिए इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया है तो इसके अंदर आप लोग सभी हड्डियों के बारे में पढ़ते हो और हड्डियां जहां जिस गर्डल के साथ जुड़ी हुई है उन गर्डल्स के बारे में पढ़ा जाता है ओके तो यहाँ पर सबसे पहले हम हर एक लिम्ब्स की बात करेंगे हर लिंब के अंदर आपकी तीस तीस हड्डियां मौजूद है टोटल आपको एक सौ छब्बीस हड्डियां करनी है एक सौ छब्बीस हड्डियां एक लिम्ब के अंदर आपकी तीस हड्डियां दूसरे लिम्ब के अंदर आपकी तीस हड्डियां तो साठ साठ आपसे एक सौ बीस और छ आपके क्या छह आपके यहाँ के बोन्स और साथ में आपके गर्डल्स ठीक है तो इस तरह से आपको ये सब चीजें याद रखने की है ओके यहाँ तक की बातें समझ में आई आप लोगों को यहाँ देखिएगा जब भी आपके हाथों की हड्डियों की बात करते हैं बच्चे देखो हाथों की हड्डियों की बात करते हैं तो एक है आपकी रेडियस एक है आपकी सबसे ऊपर वाली इसको कहा जाता है फोर लिम की अपर बोन ठीक है आपके हाथों की जो अपर आर्म है ऊपर वाली जो बाजू है उसकी जो हड्डी है उसको कहा जाता है ह्यूमरस और नीचे वाली ये जो दो हड्डियां होती है इनका नाम है रेडियस और अल्ना कितना क्या नाम है इनका रेडियस और अल्ना ये जो आपकी नीचे वाली दो हड्डियां है जो कि जुड़ी हुई यहां और यहाँ पर आपका कौन से प्रकार का ज्वाइंट प्रेजेंट है ये इसका नाम बताओ जॉइंट में मैं आपको पूरा आ चुकी हूँ ठीक है ज्वाइंट्स में आपको पूरा करवा चुकी हूँ हाँ पेल्विक गर्डल और आपका आ, पेक्टोरल गर्डल हाँ हाइफोसिस हाँ, जो है सिंफोसिस जो है आपके गर्डल्स में प्रेजेंट होते हैं मैं आपसे पूछा है कि यहाँ पर आप मुझे बताइए कौन से प्रकार का जॉइंट होता है जिसकी वजह से आप एल्बो की मूवमेंट कर पा रहे हो हाँ जी हम्म एल्बो के मूवमेंट किस लिए कर पा रहे हो आप लोग मुझे ये बताइए सीटेड बाबा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कुछ बच्चे बहुत ही लंबे अरसे के बाद मुझे दिखाई दे रहे हैं यहां पर वेरी गुड ठीक है हाँ इसी की वजह से पेक्टोरल आपके पेक्टोरल मूवमेंट आपके नी में भी और आपके एल्बो में भी कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट है एक दो बच्चे और आंसर दो पता तो लगे कि मेजोरिटी में एल्बो ज्वाइंट वेरी गुड रितेश दुबे ठीक है जो नाम है नी ज्वाइंट एल्बो ज्वाइंट बिल्कुल आप तो वही बात कर रहे हो घुटने और कोहनी में वेरी गुड आपका हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है और इसके बीच में आपका कौन सा फ्लूड प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूड प्रेजेंट होता है ठीक है कब्जा ज्वाइंट जिसको बोलते हैं ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन किया था आप लोग फिर भी नहीं भूल जाते हो हाँ ऊपर जो है आपका इसको पिक्टोरियल गर्डल बोलते हैं फोरलिम्स जहां से आपके अटैच है और नीचे आपका यहाँ पर जो जहां से आपके हिंडलिम्स अटैच है वो आपका पैल्विक गर्डल होता है ठीक है हिंज जॉइंट उसको बोलते हैं जो भी बच्चे हिंज ज्वाइंट आंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल ठीक

यहां पर आपकी ये दो हो गई कार्पस जो आपकी कलाई केंद्र आपकी आठ यहां पर कलाई केंद्र आपकी आठ हड्डियां मौजूद होती है मेटा कार्पस यहां पर आपकी पाम बोन्स जिनको कहा जाता है पाम बोन्स आपकी पांच होती है वहीं पर फैलेंजेस डिजिट्स आपके फोर्टीन होते टोटल आपके फोर्टीन डिजिट्स होते हैं आप इनको काउंट भी करो टोटल आपकी फोर्टीन प्रेजेंट होते हैं ठीक है रेडुलो ठीक है वो आपका यहां इन दोनों के बीच में इसको आप लोग हिंज जॉइंट बोलते हो जिसकी वजह से सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर पा रहे हो आप अपने कोने को पीछे की तरफ नहीं बैंड कर सकते हो ठीक है और यहाँ कार्पस के बीच में और साथ में आपके थंब के बीच में सैडल ज्वाइंट है और कार्पस के बीच में आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट है ठीक है थम के बीच में और यहां पर आपका सैडल ज्वाइंट है और यहां पर आपका कौन सा जॉइंट है ये आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट इनके बारे में आपको पूरा बताया था मैंने तो काउंट करो फोर्टीन प्लस फाइव नाइनटीन नाइनटीन प्लस वन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी तो टोटल आपकी तीस हड्डियां हो गई तो तीस हड्डियां आपके राइट हैंड में है और तीस ही हड्डियां आपके लेफ्ट हैंड में है तो इस तरह से आप लोग का ये कवर होगा वैसे आपके हिंड लिम्स पैरों की अगर बात करें तो वहां पर भी आपकी कितनी हड्डियां हैं तीस हड्डियां हैं कौन कौन सी हड्डियां हैं सबसे बड़ी जो आपकी हड्डी है जो आपके पैल्विक गर्डल के साथ जुड़ी हुई आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी सबसे मजबूत हड्डी और सबसे स्ट्रोंग हड्डी और सबसे हार्ड हड्डी वो है आपकी ठीक है हाँ, के अंदर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं वो आपकी होलो बॉन्स होती है अंदर से बिल्कुल खोखली हड्डियां होती हैं ठीक है बॉल सॉकेट ज्वाइंट आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है ना जो आपका गर्डल्स के साथ ज्वाइंट करता है वेरी गुड रितेश ठीक है यहाँ पर आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक नहीं कौन है ये जो 110 बता रहा है अर्जुन है हाँ, वो बिल्कुल सही है तीस हड्डियां आपके एक हाथ में दूसरे हाथ में भी आपकी तीस हड्डियां अब एक पैर में भी आपकी तीस हड्डियां कैसे सबसे बड़ी जो हड्डी है ठीक है उसको थाई बोन कहा जाता है फेमर जिसका नाम है ये है ये आपकी सबसे बड़ी हड्डी ठीक है ये आपकी और यहाँ पर है आपका हिंज ज्वाइंट और ये आपकी रेडियस और अल्ला देखो फेब्यूला जो है सबसे पतली हड्डी है ठीक है इसी को यह आपका शिन बोन भी बोला जाता है ठीक है शिन बोन बोला जाता है और ये आपका है ठीक है ये दोनों आपकी ठीक है जहां से आपका नी कैप के साथ अटैच्ड होते हैं वो आपकी ये वाली हड्डियां हैं अब देखो टार्स कितने हैं एंकल जो है आपके एडी जो है उसके अंदर सेवन इन नंबर सात आपके टार्सल्स हैं और मेटा टार्सल्स पांच इन नंबर हैं और फैलेंजिस अब आप लोग मुझे एक बात बताओगे ठीक है आप लोग मुझे एक बात बताओगे कि मैम ये तो थर्टी हो ही नहीं रहे हैं यहाँ पर तो आपने कलाई के अंदर तो बताया था आठ हड्डियां मौजूद है यहाँ पर सात हड्डियां हैं तो इस तरह से, से तो हमारे एक पैर के अंदर ट्वेंटी नाइन बोन्स हुई तो ट्वेंटी थर्टी बोन्स कैसे होंगे आप लोग मुझे बताओ थर्टीएथ बोन कौन सी होती है आपके लिम्स के अंदर थर्टीएथ बोन का नाम बताओ अमन कुमार ऑफिशियल दीक्षा तुरंत से आप लोग मुझे ये बताइए थर्टीएथ बोन का नाम क्या होगा कौन सी आपकी थर्टीएथ बोन प्रेजेंट होती है आपके लिम्स के अंदर हाँ फैलेंजेस 14 ही है ठीक है फैलेंजेस आपके 14 ही है मैटाटार्सल्स आपके 5 ही है ये यहाँ पर जो आपके लेग में यहां पर जो प्रेजेंट है मैटाटार्सल्स वो 5 ही है लेकिन जो आपके एंकल के अंदर जो हड्डियां हैं वो सात हैं तो ट्वेंटी ना आपके पैरों में कहां पर थर्टी एथ कौन सी है वेरी गुड वो है आपकी पैटीला बोन पैटीला बोन मतलब आपके नी के ऊपर जो बोन प्रेजेंट है एक कप शेप्ड बोन जिसको पैटीला कहा जाता है जो कि आपके नी को कवर करती है वेंट्रली आगे की तरफ से उसको कहा जाता है नी कैप ठीक है तो इस तरह से आपके दोनों टांगों के भी अंदर कितनी कितनी हड्डियां होंगी तीस तीस तो तीस साठ उधर थी साठ इधर तो एक सौ बीस हो गए बची कितनी छह हड्डियां जो बची हैं अब उनको कैलकुलेट करने का है छह हड्डियां बताओ हाँ जी हाँ पेटिला हाँ ये आप लोग को समझ में आ गया सतीश कुमार ठीक है ये सब चीजें आप लोग को क्लियर हो गए नेक्स्ट आप लोग देखो ध्यान से गर्डस कर धनी की बात करते हैं टोटल आपकी छ हड्डियां बची हैं सारी हड्डियां हो गई हैं ठीक है अस्सी वहां हो गई हैं 120 सौ बीस यहाँ हो गई हैं सिर्फ 206 में से छ हड्डियां बचे हैं उन छओ की लोकेशन अब आपको देखनी है कि वो छह कौन कौन सी आपकी हड्डियां इधर देखो इनको करधनी कहा जाता है जहां से ये आपकी जुड़ी होती है और कौन से ज्वाइंट से जुड़े होते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से जुड़े होते हैं क्योंकि इसी वजह से आप अपने हाथ को हर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर पा रहे हो ठीक है पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स ये हेल्प करते हैं एट्रिकुलेट करने में अपर आर्म को ऊपर वाली आपके बाजुओं को जोड़ने में मदद कर रहा है आपका पेक्टोरल ठीक है और जो आपके टांगों को जोड़ने में मदद कर रहा है वो आपका पेल्विक करधनी है ठीक है श्रोणी करधनी और आपका ऊपर वाला जो हाँ अब इसके अंदर आपकी जो छह हड्डियां बची उनका डिवीजन देखो तो पेक्टोरल बोन्स ठीक है ये आपके पेक्टोरल बोन्स हैं कौन कौन से आपके पेक्टोरल बोन्स के अंदर आती है हुँ. दो स्कैपुला है दोनों तरफ ठीक है दो क्लैविकल है और फिर क्या बच गया आपका एक आपका पेक्टोरल बच गया और एक आपका पैल्विक बन गया तो हो गई टोटल आपकी कितनी हड्डियां सिक्स हड्डियां जो बची हुई थी ओके इधर देखिएगा यहाँ पर आपका क्लैविकल है ठीक है।, है और ये आपका स्कैपुला स्कैपुला है है ये ये रीजन आपका आपका और क्लैविकल है जिसको आप कोलर बॉन्ड भी बोलते हो ठीक है और ये आपका पूरा पेक्टोरल गर्डन है अभी देखो एच हाफ हर दोनों साइड का एक हाफ इधर साइड की बात करेंगे हर एक के पास एक क्लैविकल है और एक स्कैपुला है स्कैपुला क्या है स्कैपुला एक लास्ट ट्रायंगुलर शेप्ड एक लंबी ट्रायंगल शेप्ड की ट्रायंगुलर बोन है फ्लैट चपटी हुई बोन है जो डोर्सल पार्ट में आपके थोरेक्स के साथ जुड़े हुए बिटवीन द सेकंड एंड सेवंथ रिब्स सेकंड और सेवंथ रिब्स जो है वहां के बीच में आपके ये जुड़ी हुए जो एक ट्रायंगुलर शेप्ड की बोन होती है वो आपकी स्कैपुला होती है ठीक है और डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी अब वही आगे की तरफ एक आपकी क्लैविकल होती है ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई हाँ क्लैविकल आपकी कॉलर बोन होती है और ये आपकी देखो ये स्कैपुला आपकी ट्रैंगुलर शेप्ड फ्लैट बोन होती है ओके स्कैपुला आपकी ट्रैंगुलर शेप्ड फ्लैट बोन होती है जो यहां से आपकी दूसरे से लेकर सातवें रिप्स के साथ जुड़ी हुई ये जो आपकी ट्राइंगुलर शेप्ड बोन है ये आपकी स्कैपुला है और यहाँ पर जो इस तरह से, से एलोंगेटेड बोन होती है ये आपका क्लेविकल होती है जिसको आपका कोलर बोन भी कहा जाता है इसी को ही आप क्या बोलते हो इसी का ही दूसरा नाम है ब्यूटी बोन क्या नाम है इसका दूसरा ब्यूटी बोन क्या आप लोग को एक कलर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो ट्रैंगुलर शेप है जो दूसरे पसली से जुड़ के सातवें पसली से आपको जोड़ रही है इस बोन का नाम है आपका स्कैपुला इसी तरफ भी है और दूसरी तरफ भी इसी तरह से प्रेजेंट होती है और यहां से आपका जुड़ता है ये आपके फोर लिम्स के साथ और ये पूरा आपका कहलाता है पेक्टोरल गर्डल इज दैट थिंग इज क्लियर टू यू हाँ जी इज दैट थिंग इज क्लियर टू यू हाँ इसी कोई आप शोल्डर ब्लेड भी बोल सकते हैं ठीक है ये आपके बाजू का ये पूरा एरिया ट्राइंगुलर फ्लैट बोन की तरह जो आपकी पसलियों के साथ जुड़ा हुआ है ओके नेक्स्ट आप बात करते ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूं अब देखो स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल द स्पाइन ठीक है इसी में ही एक एलिवेटेड लंबी से एक रिज भी होती है जिसको स्पाइन कहा जाता है प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कोल्ड एक्रोमियन जो एक फ्लैट देखो यहां से जो जिस तरह से एक्सपेंड हो रखी है जो जाकर यहां पर जुड़ रहा है इसको एक्रोमियन भी कहा जाता है ओके ये चीज आप लोगों को क्लियर हो चुके अब क्लैविकल का, का काम क्या होता है ये एट्रिकुलेट ये जुड़ती है जाके आपके एक्रोमियन के साथ बिलो द एक्रोमियन आपके एक डिप्रेशन होता है जिसको कहा जाता है ग्लिनोइड कैविटी एक्रोमियन के नीचे जो डिप्रेशन है जिसको ग्लेनोइड कैविटी कहा गया है विच जो एट्रिकुलेट करते हैं आपके हेड ऑफ द ह्यूमरस ह्यूमरस के हेड के साथ जाके ये जुड़ा हुआ है हाँ जी हम्म बॉन्ड जो है वो आपके डिसलोकेट यहाँ जॉइंट से ही डिसलोकेट हो जाती है ठीक है यहीं पे जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है इसमें से निकल जाती है और एक बार जो डिसलोकेट हो जाए यूजुअली लोगों की फिर बार बार डिसलोकेट होती है ठीक है मेरा जब ये यह यहाँ से बॉन्ड डिसलोकेट हुआ था पीछे वाली तरफ से अब आप लोग बोलेंगे मैम ये भी दिक्कत आपको भी हुई है हुँ. इस चीज को देखो ये जो आपके ह्यूमरस जो बोन जो आपकी ह्यूमरस जो बोन है यहां पर ये जो आपकी जुड़ी हुई है स्पेक्टोर गर्डल के साथ ये दो तीन ज्वाइंट्स पर जुड़ी हुई है ठीक है एक आपका ये जॉइंट है और यहाँ अब यहाँ पर फ्रंट साइड से ठीक है ये आपका क्लैविकल है ये आपका स्कैपुला वाला रीजन है तो यहाँ पे आपकी ग्लेनोइड कैविटी जो है ना ग्लेनोइड कैविटी के अंदर घुसा हुआ है आपका ह्यूमरस और इस तरह से ये एक बोनलेस होकर तभी तो आप इसको रोटेट कर सकते हो और एक्स्ट्रा जब आप इस पे स्ट्रेस देते हो तो ये कैविटी में से बाहर निकल जाता है और इसको फिर अंदर डाल के फिर दोबारा से यहाँ सिनोवियल फ्लूड जो प्रेजेंट है अगर वो प्रॉपर है तो ये ज्वाइंट आपका प्रॉपर रिकवर हो जाएगा ठीक है तो ये चीज आप लोग यहाँ पे समझो ईच क्लैविकल कॉलर बॉन्ड इज अ लॉन्ग स्लेंडर बॉन विथ टू करवेचर इसके दो कर्वेचर्स होते हैं यहाँ पे जो कनेक्टेड होते हैं हाँ जी हुँ. कब और कैसे हो गया शेयर कीजिए ठीक है अच्छा राजेश इंसिडेंस बोल रहे हो क्या आप शेयर कीजिए हाँ जी पैल्विक गर्डल जो है वो फीमेल के अंदर हाँ ठीक है क्योंकि वहां यूट्रस यूट्रस और पूरा फीमेल का जो लोअर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट है वो भी पूरा एडजस्ट होता है ये चीज आप लोग को क्लियर हुई है ठीक है ये कब और कैसे हुआ था ये लास्ट ईयर हुआ था टू 2020 था ना लास्ट ईयर याद ही नहीं आता है, हाँ, है पैलविक गर्डल फीमेल के अंदर इज दैट थिंग यहां तक की चीजें जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं करा वो एक बार क्लास को लाइक कर दो तो, इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं थोड़ा सा ही बाकी बचा है ठीक है ये चीज आप लोग को समझ में आ गई है देखो ये आपका पूरा जो मैंने अभी आप लोग को समझाया वो आपका पूरा पैलविक गर्डल सॉरी पेक्टोरल गर्डल वाला रीजन हो गया ओवर ठीक है हाँ सिनोवियल फ्लूड ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ये आप क्वेश्चन पूछे सिनोवियल फ्लूड ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते आई थिंक ये तो आपके बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा ट्वेंटी ट्वेंटी में नहीं हुआ था फिर लास्ट uh, ईयर तो बिल्कुल एलिमिने रिजेक्टेड ईयर था टू थाउजेंड में ठीक है जुलाई 2019 में शोल्डर uh, डिसलोकेट हो गया था मेरा hmm. एक्चुअली 2020 के कुछ इंसिडेंस ही नहीं याद आते होम अरेस्ट, ठीक है आप लोग हाउस अरेस्ट हो और घर में ही हो ऐसा वाला फीलिंग है तो कोई इंसिडेंस एग्जैक्टली exactly याद नहीं आते जब आप लोग याद करते हैं ये इतना चीज आप लोग को क्लियर हो गया है ओके okay. नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं ये है आपका पिक uh, पेक्टोरल गर्डल की हम लोग पैल्विक गर्डल की हम लोग बात करते हैं ठीक है पैल्विक गर्डल ये आपका रीजन देखो ये मैं आपको पहले बताया था यहाँ जब मैंने आपको कल सूचर्स uh, के बारे में गम्बर्सिस के बारे में बताया था लास्ट क्लास में जो आपके फिक्स्ड ज्वाइंट थे वहीं पर मैंने आपको बताया था कि एक और जगह आपका फिक्सड ज्वाइंट प्रेजेंट होता है वो आपका पैल्विक गर्डल के अंदर ठीक है श्रोणी धनी के अंदर यहाँ पर जिसको प्यूबिक सिंफोसिस कहा जाता है ये ज्वाइंट भी बिल्कुल फिक्स है ठीक है प्यूबिक रीजन के अंदर प्यूबिक सिंफोसिस जहां पर आपका लेफ्ट वाला जो गर्डल है वो राइट right वाले गर्डल के साथ अटैच होता है इस रीजन को प्यूबिक जाता है समझ में आ गया था ये क्या है वर्टेबल कॉलम के अंदर ठीक है मतलब कि जहां पर आपका सेक्रल रीजन आपके के साथ जुड़ा हो ये भी आपको समझ में आ गया सैक्रो इलियां ठीक है ये जो आपका इलिया के साथ जुड़ा हुआ है यहां पर आपका ये सेक्रम रीजन है ये सेक्रम रीजन है तो आप इनके बारे में पूरा डिफ्रेंशिएट करते हैं हाँ जी ये सब चीजें आप लोग का हो गया नेक्स्ट आप लोग देखो हाँ फाइव हंड्रेड लाइक्स न को करते कहाँ है आप लोग ठीक है भैया प्रवीण बोलते तो हो आप लोग ऐसे ही हाँ फाइब्रस ज्वाइंट्स वहां पर हाँ फाइब्रस ज्वाइंट्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था फाइब्रस ज्वाइंट्स के बारे में पूरा डिस्कशन हो गया था जो आपका टीबी और फेब्यूला के बीच में प्रेजेंट है टीबी और फेब्यूला के बीच में नहीं प्रेजेंट है फाइब्रस जॉइंट्स आपके अलग जगह पर प्रेजेंट है ये मैं आपको फिक्स जॉइंट अभी बताया जो अभी बताया है हाँ इसको टेल बोन भी बोलते हैं मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये इधर देखिए ट्रेवर अभी आपका कंसेप्ट बिल्कुल लास्ट बिल्कुल हम लोग टॉपिक

रीजन का जो इलियक बोन है ये यहां इस ज्वाइंट पे इसके साथ जुड़ा हुआ है ठीक है ये यहां इस ज्वाइंट पे इसके साथ जुड़ा हुआ ये आपका इलियक uh, बोन है और ये आपका सेक्रल है ठीक है तो इस तरह से ये आपके दोनों साइड के कोएक्सल बोन्स को जैसे वहां पर आपका क्लैविकल और स्कैपूला था जब आपने पेक्टोरल गर्डल के बारे में पढ़ा वैसे आपका पेल्विक गर्डल के अंदर आपका दोनों साइड कोएक्सल बोन्स है उन को के अंदर ये आपकी तीन तीन हड्डियां मौजूद है ठीक है एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन अब बोन्स के फ्यूजन के पॉइंट पर एक कैविटी मौजूद होती है जिसको एस्टिब्यूटेलियम कहा जाता है जैसे वहां पर ग्लेनोइड कैविटी मैंने आपको बताया था ना ग्लेनोइड कैविटी आप लोग की प्रेजेंट थी वहां पर जहां

सबसे अपर ऊपर वा, वाली बाजू की हड्डी है उसी तरह से आपके पैर में एसिट एसिटाब्युलम कैविटी है जो आपके थाई बोन आपके फैमुर के साथ जाके एक्टिव एटिकुलेट हो जाएगी जो टू हाफ्स होते हैं पैल्विक गर्डल के वो वेंट्रली ठीक है मिलते हैं प्यूबिक सिंफा जहां पर फाइब्रस कार्टिलेज मौजूद होता है और ये फाइब्रस कार्टिलेजेस जो आप बता रहे हैं वो जहां पर मौजूद होते, होते हैं वो आपके फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं वहां पर ज्यादा मोमेंट्स पॉसिबल नहीं होते हैं फाइब्रस ज्वाइंट्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं ठीक है ये आप लोग को क्लियर हुआ नेक्स्ट आप लोग को आई थिंक वेरी गुड ठीक है यहीं तक आप लोग का पूरा कंसेप्ट था सारी हड्डियां आपकी ओवर हो चुकी है देखो तीन हड्डियां ये आपकी प्रेजेंट है टोटल आपकी जो छह हड्डियां थी वो सभी आपकी तीनों ये देखो इधर साइड की आपकी एक तीनों हड्डियां फ्यूज है ठीक है प्यूबिक गर्डल इधर देखो दो 80 आपकी वहां हो गई थी 120 आपकी यहाँ पर होगी तो टोटल आपकी 200 सौ बोन्स हो गई उसके बाद बची आपकी सिक्स बोन्स अब ये सिक्स बोन्स देखो ठीक है दो आपकी क्या है दो आपकी क्लेविकल है दो आपकी स्कैपुला है ठीक है और दो ये आपकी क्या है इलियम वाली है ठीक है एलियम वाली क्योंकि जो आपकी कोएक्सल बॉन्स है तो कितनी हो गई आपकी छे? तो इस तरह से टोटल आपकी इसके अंदर आप छह जोड़ेंगे तो आपकी 206 हड्डियां हो गई हैं तो पैल्विक गर्डल के अंदर आपकी कितनी हड्डियां हैं पैल्विक गर्डल के अंदर आपकी दो हड्डियां इन दो के अंदर फ्यूज है तीन हड्डियां ठीक है उनको आप अलग सेपरेटली काउंट नहीं करोगे एक के साथ काउंट करोगे और आपके पेक्टोरल गर्डल के अंदर आपकी चार हड्डियां हैं तो इस तरह से आपकी टोटल 206 हड्डियां ओवर हो चुकी हैं दो सो बोन्स यहां वाली इज क्लियर टू यू यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर हम लोग फिनिश करते हैं यहीं से आपका पूरा ओवर हो चुका है कल आपका क्या है वेंसडे है वेंसडे को हम न्यू टॉपिक नए सेशन का स्टार्ट करेंगे फाइनली आपका ये वाला कंसर्प पूरा ओवर हो चुका है ठीक है ऑस्ट्रियो क्लास्ट हाँ ऑस्ट्रोक्लास्ट आपका रिपेयर ऑफ सेल्स ऑस्ट्रो आपका बोन सेल का कैंसर तो यहाँ पर पूरी तरह से हमने आज ह्यूमन स्केलेटन फिनिश कर लिया है हाँ, पिटाई किसने की आप लोगों की ठीक है पिटाई खाने के काम किए होंगे तभी आप लोगों की पिटाई हुई होगी तो यहाँ पर आप लोग हम पूरा सेशन फिनिश करते हैं जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया था वो जाते जाते एक बार क्लास को लाइक कर देना और जिन्होंने एस एस ट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो एस एस ट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे और साइंस बाय वर्षा मैम मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो ताकि आपको सभी क्लासेस के नोट्स टाइमली मिल जाए ठीक है और साथ में आप लोग साइंस वर्ष वर्षा मैम ही मेरी प्ले है उसको भी आप चेक करते रहो फर्दर नोट्स के लिए ओके okay? और एक और चीज आप लोग ध्यान रखो कि टेस्ट योर साइंस का सेशन जो है आप लोगों ने अभी तक भी आ, कुछ ही बच्चों का आया है मुझे कम से कम कम से कम एक हफ्ते का शेड्यूल आप लोग बताओ टेस्ट योर या उसी हिसाब से मैं आप लोग का कंटिन्यू करूंगी ठीक है अभी कुछ बच्चों ने यूपी ट्रिपल एस के लिए बताया है कुछ ने एनटीपीसी के लिए बताया है कुछ ने आपका ईपीएफओ के लिए बताया तो रेगुलेटेड आगे वाली क्लासेस में मैं आप लोग के लिए वही लेकर आऊंगी ठीक है हाँ जी जय हिंद जय भारत ठीक है तो यहीं पे आप लोग की क्लास को हम लोग एंड करते हैं इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था फाइनली ओवर हो चुका है ओके okay देन मिलते हैं आप लोगों से कल किस वक्त सवा ग्यारह बजे यहाँ पर ही एस एस के प्लेटफॉर्म पर नए टॉपिक के साथ नए दिन के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखो और अच्छे से प्रिपरेशन करो एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं अब आपके